एकदम कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट आता है, ठीक है परफेक्ट। समझने का कोशिश करना एकदम शांति से, वी आर स्टार्टिंग विद क्वांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली क्वांट्स में दो स्टडी सेशन है। पहला स्टडी सेशन में द फर्स्ट पार्ट इज योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्काउंटेड कैश फ्लो, उसके बाद में सो द फर्स्ट पार्ट इज योर एन्युइटी, एन्युइटी मतलब आज का 100 रुपया 10 साल बाद कितना, अगर 10 साल तक मैं एवरी ईयर आपको 100 रुपीज दे रहा हूं तो उसका वैल्यू आज क्या हुआ। सपोज देर इज अ प्रोजेक्ट, मैं 500 इन्वेस्ट करता हूं एंड एक साल में 200 मिला, सेकंड ईयर में मेरे को 200 मिला, थर्ड ईयर में मेरे को 300 मिला, तो उसका रेट वगैरह कैसे कैलकुलेट हुआ। सो दो स्मॉल लिटिल मनी रिलेटेड कैलकुलेशन जो है उसके ऊपर 2-3 चैप्टर है, एन्युइटी एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो। उसके बाद यू हैव योर प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स वाला पोर्शन, मीन मीडियन मोड स्क्यूनेस कटऑसेस ऑल दोस थिंग्स, वी विल ट्राई एंड टच अ लिटिल बिट ऑफ दैट ऑल्सो टू जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट व्हाट्स देयर। उसके बाद में थोड़ा हाइपोथेसिस टेक्निकल है, उसका कोई रिलेशन नहीं है बाकी सिलेबस के साथ एज सच, बट दिस फर्स्ट सेक्शन एन्युइटी टाइम वैल्यू ऑफ मनी तुम लोग लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 हर जगह यूज करोगे। कहीं पे भी इक्विटी वैल्यूएशन हो, फिक्स्ड इनकम, कोई भी वैल्यूएशन होगा तो कोई भी चीज का वैल्यू में तुम्हारे पास होगा ना कि एक साल बाद इतना कैश फ्लो है, 2 साल बाद इतना कैश फ्लो है, तो कोई भी चीज के लिए तुमको उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना आना ही पड़ेगा। वैल्यूएशन के लिए यू हैव टू यूज दैट इंटरेस्ट रेट वाला चीज, तो लगेगा ही लगेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो तीनों लेवल में ये वाला पार्ट यूज करोगे। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ये फर्स्ट 2-3 चैप्टर एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो। कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा मेरे को बताना, बीवाई बीडीवाई वो रेट्स वगैरह कैलकुलेट करना सीखेंगे, इट विल गो थ्रू आउट योर लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 2 का सिलेबस इज आइडेंटिकल, सिलेबस आइडेंटिकल मतलब सॉरी सब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। लेवल 1 इज 99% तुम समझ लो इंक्लूडेड इन लेवल 2, क्वांट्स इज इंक्लूडेड मतलब जो सेक्शंस है मोर ऑर लेस, तुम 60% सिलेबस ऑफ सीएफए L1 इज कंसिडर्ड टू बी इंक्लूडेड इन सीएफए L2, मतलब दैट इज योर बेस, उसके ऊपर बिल्ड होगा। तो ये वाला चैप्टर्स पे एकदम अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले एकदम सिंपल चीज से स्टार्ट करते हैं, एन्युइटी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एकदम अच्छे से समझो, टाइम जीरो लेट्स से एंड दिस इज कॉल्ड अ टाइम लाइन, टाइम जीरो एंड लेट्स से आई कीप 5 years ओवर हियर। सपोज आप आज बैंक में पैसे डाल रहे हो, सपोज आई डिपॉजिट 100 रुपीज टुडे इन द बैंक, 5 साल के बाद वो क्या होगा। तुम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो, सपोज बैंक बोला 7% इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज 7% इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो क्या करोगे, 5 साल का 100 × 7% इज द इंटरेस्ट यू गेट पर एनम इंटू 5 years, दैट इज योर आंसर। व्हेन आई से 7% इट ऑटोमेटिकली मींस 0.07, तो वो मेरे को मत बोलना कि इनटू 1 वो डिवाइड बाय 100 पीटीआर बाय 100। 7% का मतलब है 7 on every 100, 7% इज इक्वल टू 0.07। अपने कभी भी कोई भी फॉर्मूला में परसेंटेज यूज करेंगे, वी ऑलवेज विल यूज इट इन द डेसिमल फॉर्मेट, फॉर्मेट में यू नेवर राइट 7%, 7% का मतलब इज 0.07, हर एक में 0.07। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, फालतू चीज हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट इज व्हाट यू डू। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R^n। अभी एन्युइटी का फॉर्मूला इसी से बन जाएगा, कुछ नहीं है एन्युइटी, कुछ नया नहीं है, यूनिटरी मेथड सिखाऊंगा। यूनिटरी मेथड याद है, वही करना आता है ज्यादा जगह। आज 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 5 years बाद कितना होना चाहिए, 100 रुपीज आफ्टर 1 year विल बिकम 100 × 1.07, 7% एड हो गया ना, 100 रुपीज टूडे विल बिकम 1+0.07 टू द पार एन इज इक्वल टू 1, सपोज 1 year का बोल रहा हूं। सेकेंड ईयर में यू विल इन्वेस्ट दिस अमाउंट, दिस अमाउंट विल बिकम इंटू 1.07 इन द सेकेंड ईयर, दिस इज द टोटल अमाउंट। तो जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट वाला पोर्शन एड हो रहा है। अपने इंटरेस्ट वाला ऐसे नहीं है कि अपने को इंटरेस्ट निकालने के लिए दे रहा है, आप अमाउंट कैलकुलेट कर लो, माइनस प्रिंसिपल करोगे तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दिस इज वॉट इज री इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इसको थर्ड ईयर के लिए इन्वेस्ट करोगे तो ये बनेगा। सो बेसिकली 5 साल के लिए फॉर्मूला कैसे आया, 100 × 1.07 टू द पावर 5, दैट इज वॉट 100 रुपी विल बिकम इन एट द एंड ऑफ 5 years। वॉट डज 1 रुपी बिकम एट द एंड ऑफ 5 years, 1.07 टू द पावर 5, 1 रुपी बिकम 1.07 टू द पावर 5। कोई भी प्रिंसिपल लो, 500, 5000, 5 लाख, यू मल्टीप्लाई विद दिस। हम लोग हमेशा स्कूल में क्या करते थे, 100 कॉस्ट प्राइस अज्यूम करो, 100 सब चीज को अज्यूम करके सम्स करते थे। नाउ कोशिश करना, गेट इनटू द हैबिट दैट वी विल ऑलवेज यूज 1, क्योंकि 1 से क्या होता है ना, डिवाइड बाय 100 नहीं करना पड़ता है, 1 बिकम्स इतना तो हाउ मच विल बिकम हाउ मच, इट्स सिंपलर, इट्स इजियर। वी विल ऑलवेज ट्राई टू कीप द बेस एज 1, सो 1 बिकम्स 1.07 इन 1 ईयर, तो 5 ईयर्स में कितना, 1.07 टू द पावर 5।
सिंपल, ये तो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ। क्यों कर रहे हो आप कंपाउंड करके अमाउंट को एक्स्ट्रा, क्यों? व्हाई आर यू पेड एक्स्ट्रा? व्हाई आर यू पेड एक्स्ट्रा मतलब आप बैंक में पैसा डालोगे तो पांच साल बाद पैसा एक्स्ट्रा क्यों? मतलब अंडा थोड़ी देगा पैसा, कैसे हुआ एक्स्ट्रा? आप कोई का जगह भाड़ा पे लेते हो तो यू गेट रेंट, यू वर्क इन अ कंपनी यू गेट सैलरी फॉर योर टाइम फॉर योर सर्विसेज, हर चीज का भाड़ा है, आदमी का भाड़ा है वो सैलरी है, जगह का भाड़ा है वो रेंट है, पैसा का भाड़ा इज इंटरेस्ट। यू आर गिविंग समवन एल्स द मनी टू यूज इट फॉर सम टाइम, वो उसी पैसा को यूज करके पैसे कमाएगा एंड उस पैसा को यूज करने के लिए ही इज गिविंग यू एन इंटरेस्ट। वील ब्रेक अप द इंटरेस्ट पोर्शन ऑल्सो अ लिटिल लेटर। तो यहां पे क्या हुआ, दिस इज कंपाउंडिंग। जब आप अपना प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को एड करके आगे लेके जा रहे हो, दैट इज कंपाउंडिंग, दैट इज कंपाउंडिंग। सो से फॉर एग्जाम्पल 1.07 टू द पावर 5 कैलकुलेटर, यू विल गेट एन अमेजिंग कैलकुलेटर। मतलब यूज करने लगोगे, स्पेशली सीए स्टूडेंट को समझ में आएगा कि व्हाट इज द प्लाइट, व्हाट इज द यू नो मतलब तकलीफ कितना होता है वो नॉर्मल कैलकुलेटर पे, बिकॉज उस पर जो काम आप 50 बटन प्रेस करके करते हो वो इधर दो बटन में हो जाएगा। सो 1.07 वाई बाई एक्स इज द सिंबल फॉर टू द पावर 5। सो 1 रूपी बिकम्स हाउ मच, 7% पे कंपाउंड करोगे इट बिकम्स 1.402525। सो 1.40 जो भी आगे, सो बेसिकली 1 रुपया 1.40 बन रहा है, तो 100 बिकम 140 इन 5 इयर्स टाइम। ओके, अभी देखो यूनिटरी मेथड कैसे काम आएगा। अगर 100 रुपया डिपॉजिट, 1 रुपया डिपॉजिट किए तो 1.4 बना, यहां पे अगर 1 रुपी चाहिए तो कितना बनना चाहिए यहां पे, 1/1.40, दैट इज 1/1.07 टू द पावर 5, दैट इज हाउ यू गॉट 1.40। तुम्हारा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r^n, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r^n, और प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू बाय 1+r^n। कोई नया फॉर्मूला याद नहीं किया, ये तो रीअरेंजिंग हो गया, या तुम्हारा यूनिटरी मेथड के हिसाब से देख लो तो भी यही चीज हो गया। बोलो क्लियर, दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। अमाउंट इज वॉट, वॉट यू विल गेट इन फ्यूचर, प्रिंसिपल इज वॉट आई डिपॉजिट टूडे, आज जो डाला पैसा वो प्रिंसिपल हुआ, वो प्रेजेंट वैल्यू हुआ, आज का वैल्यू एट टाइम जीरो, प्रेजेंट वैल्यू मतलब एट टाइम जीरो, आज अभी का वैल्यू, एंड फ्यूचर वैल्यू मतलब फ्यूचर का डेट का वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू इज योर अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू इज योर प्रिंसिपल, इसका डिफरेंस माइनस करोगे तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा, वो जरूरत नहीं है उसका, जरूरत होगा तो कैलकुलेट करेंगे, बाकी जरूरत पड़ेगा नहीं आपको। ठीक है, दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, सिंपल एन्युइटी, देर इज नो न्यू फॉर्मुला यू लर्नड, देर इज नो न्यू फॉर्मुला यू लर्नड, दैट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। जब 1 रुपया को यहां लेके जाएंगे तो इंटरेस्ट एड कर रहे हो, यू आर कंपाउंडिंग, यू कीप ऑन एडिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। 1 रुपया 7% जोड़ा, 7% को लेके उसके ऊपर 7% जोड़ा, तो 1 पे 7% एंड 0.07 पे 7%, नेक्स्ट डे पे वो जो टोटल इंटरेस्ट है उसके ऊपर जोड़ा। यू कीप ऑन एडिंग इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इट इज कंपाउंडिंग। सो व्हेन आई टेक माय मनी ओवर हियर दिस डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। व्हेन आई ब्रिंग यहां का पैसा यहां पर, इट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग, क्योंकि तब आप उसमें से इंटरेस्ट को निचोड़ निकाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। बोलो क्लियर, दिस वन पीवीएफ ले लिया, टेक दिस डाउन, पीवीएफ ले लो फॉर्मूला खाली, नहीं तो बाद में एक साथ भी लिखाऊंगा, नॉट अ प्रॉब्लम। इसको टाइमलाइन बोलते हैं, टाइमलाइन बना बना के सम करेंगे हर जगह, क्योंकि उससे गलती नहीं होगा, बिकॉज अभी तो बहुत सिंपल है, देयर विल बी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, वी ऑलवेज मेक द टाइमलाइन एंड डू द सम, इट ऑलवेज हेल्प्स, इट ऑलवेज वर्क्स। ठीक है, दूसरा एक चीज समझने का कोशिश करना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लॉजिक क्या है बेसिक। आज का 100 रुपया एंड 5 साल बाद का 100 रुपया, इज इट द सेम, इज इट डिफरेंट? इट इज डिफरेंट, बिकॉज आज 100 रुपए मिलेंगे तो 5 साल इंटरेस्ट कमाऊंगा, 5 साल बाद 100 रुपए मिलेंगे तो ऑब्वियसली उस पर 5 साल तक इंटरेस्ट नहीं कमा पाऊंगा। So 100 rupees today is not equal to 100 rupees in future. Can you compare 1 liter with 5 kgs? Kaun sa bada, kaun sa chota, bhari, matlab something. Can you make a comparison? Both are in different units.
यू हैव टू मेक अ कंपैरिजन, यू हैव टू गेट इट इन द सेम यूनिट्स. सिमिलरली 100 रुपया टुडे एंड 100 रुपया 5 years इज नॉट द सेम. तो अगर आपको कोई बोल दिया कि भैया हम तुमको 5 साल के लिए आई विल गिव यू 100 रुपीज और इफ समवन टेल यू आई विल गिव यू 8 years के लिए आई विल गिव यू 60 रुपीज, इट्स नॉट कंपेरेबल. आई विल गिव यू 100 रुपीज फॉर 5 years, आई विल गिव यू 60 रुपीज फॉर 8 years. 16 इसको 70 कर देते, दिस एक्चुअली कंपेरेबल. 16 to 8 कितना है? 480. यहां पे 500 मिल रहे जल्दी और यहां पे 480 मिल रहे देरी से. सो ऑब्वियसली दिस इज बेटर. सो लेट्स से आई विल मेक इट 80. तो 640 आई एम गेटिंग इन 6 years और 500 इन 100 डे इन 5 years. 100-100 करके 5 साल तक मिल रहा है तो 500 मिला. 80-80 करके 8 साल में मिल रहा है तो 640 मिला. अभी कौन सा ऑप्शन अच्छा नहीं पता. यू कैनॉट कंपेयर. अलग अलग टाइम पे अलग अलग कैश फ्लो को कंपेयर नहीं कर सकते. आई कैन कंपेयर 100 रुपया टूडे एंड 120 रुपया टूडे. दैट इज ऑब्वियसली 120 इज बिगर. बट 100 रुपया टूडे 120 रुपया आफ्टर 2 years 4 years 7 years डज नॉट वर्क. यू कैनॉट कंपेयर. So, जैसे यहां कंपैरिजन नहीं हो सकता, यहां कंपैरिजन नहीं हो सकता है. बॉन्ड हो, इक्विटी हो, वैल्यूएशन हो, कुछ भी होगा, तुम लोग कंपेयर नहीं कर पाओगे. क्योंकि एक बॉन्ड बोलता है हम 10 साल में तुमको 5% देगा, एक दूसरा बॉन्ड बोलता है हम तुमको, बॉन्ड मतलब डिबेंचर. सो ट्राई टू यू नो जस्ट अंडरस्टैंड बॉन्ड एज डिबेंचर. रूपी की जगह वील वर्क विद डॉलर्स, 100 की जगह वील टेक बेस एज 1. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा. स्टार्ट गेटिंग अडॉप्टेड टू दैट. So, यहां पर यू कैनॉट कंपेयर ना. एक बंदा बोलता है, एक कंपनी बोलता है तुम मेरे को 5 साल के लिए पैसा दो 10% देगा, दूसरा बोलता है तुम 7 साल के लिए पैसा दो 14% देगा. यू कैनॉट मेक अ कंपैरिजन दैट वे. हाउ डू यू कंपेयर? टाइम वैल्यू ऑफ मनी. मनी हैज गॉट टाइम वैल्यू. आज का 100 रुपया 10 साल बाद का 100 रुपया इज नॉट द सेम. हाउ डू यू मेक देम इक्विवेलेंट? बाय ब्रिंगिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी टू द सेम टाइम. टेक्निकली दो तरीका है. तुम 100 रुपया 100 रुपया कंपेयर करें देन इट्स ओके. सपोज दिस इज 140. या तो 140 नहीं, विल लीव दैट 100 140. हाउ डू यू कंपेयर दिस? यू कैनॉट कंपेयर दिस. दोनों को सेम टाइम पर लेके आना पड़ेगा. यू हैव टू गेट द इक्विवेलेंट. व्हाट इज द 140 का इक्विवेलेंट ऑन दिस डेट, या फिर व्हाट इज द 100 का इक्विवेलेंट ऑन दिस डेट. दोनों में से जो ज्यादा होगा फिर कंपेयर कर लोगे. ठीक है, लेट्स से रेट 7%, रेट 7% है एंड समवन गिव्स यू एन ऑप्शन. यू आइदर टेक 143 ओवर हियर और यू टेक 100 टुडे. आज या तो 100 रुपए दूंगा या 5 साल के बाद 143 दूंगा. सो दो ऑप्शन है मेरे पास, 100 टुडे 143 लेटर. आज अगर 100 रुपए लूंगा, बैंक में डिपॉजिट करूंगा 7% पर, 7% पर 5 साल के लिए डिपॉजिट करूंगा, दैट विल गिव मी हाउ मच? 140 वी हैड कैलकुलेटेड अभी. सो दो ऑप्शन है, अब आप क्या चूज करोगे? 143 वाला, कि भैया तुम 5 साल के बाद में 143 दे देना, वो मेरे लिए बेटर है. सो यू कैन आइदर टेक दिस अमाउंट ओवर देयर एंड मेक अ कंपैरिजन. वो एक्चुअली हम लोग जनरली नहीं करते. हम लोग जनरली हर चीज को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते कि आज का कीमत बताओ एंड उसके हिसाब से करते हैं. नाउ कैसे करोगे? 143 को यहां लेके आएंगे तो फ्यूचर वैल्यू विल डिस्काउंट इट, विल जस्ट डिवाइड इट. 143 बाय 1.07 सॉरी टू द पावर 5, that will give you something, that will give you, इसमें भी ना तरीका क्या है, 1.07 टू द पावर 5 किया, इक्वल टू किया, इसी चीज का रेसिप्रोकल चाहिए, 1 बाय एक्स कर दो, दैट इन टू 143, योर आंसर विल बी 101.9596. मतलब 143 एट टी इक्वल टू 5 is equal to 101.96 at t equal to 0. लेकिन ये कैसे है, इसका लॉजिक भी समझो. ये तो तुम लोग फॉर्मूला से निकाल के दे दिया कि भैया 140 को पीवी ले लिए, डिस्काउंट कर लिए, तो अपना आंसर 101.96 आ रहा है. तो 101.96 एंड 100 में बड़ा कौन सा ये? तो ये अच्छा है, ये वाला अमाउंट इज बिगर, दिस इज बेटर. बिकॉज एट द सेम टाइम यू कैन कंपेयर. डिफरेंट टाइम पे पैसों को कंपेयर नहीं कर सकते, सेम टाइम पे तो अपने बिंदास कंपेयर कर सकते हैं. करेक्ट? नहीं समझ में आ रहा है? श्योर. यहां पर द क्वेश्चन इज हाउ कैन आई से 143 एट टाइम इक्वल टू 5 इज इक्विवेलेंट टू 101.96 एट टाइम इक्वल टू 0. ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि इसको कैसे इक्विवेलेंट बोल सकते हैं. आज अगर मैं बैंक से 101.96 उधार लेता हूं, आज अगर मैं बैंक से 101.96 रुपीज उधार लेता हूं, 7% मेरा रेट चल रहा है मार्केट में. इफ आई बोरो 101.96 फ्रॉम बैंक टूडे एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, how much will I have to pay after 5 years? 143. The person told me what? Ki bhaiya hum tumko 5 saal baad 143 dega.
सो मैं उससे 143 लेकर बैंक को 143 दे सकता हूं, येस और नो? येस। सो मेरा कैश फ्लो एट टाइम 5 इयर्स इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। 143 आया, 143 गया, एंड टुडे व्हाट इज माय कैश फ्लो? 101.96। आफ्टर 5 इयर्स माय कैश फ्लो इज 143। ये बंदा देगा और बैंक को, मेरे को इसको जो मैंने बोरो किया है बैंक से, मेरे को बैंक को 143 चुकाना पड़ेगा। कैन आई कन्वर्ट 143 एट 5 इयर्स इनटू 101.96 एट टाइम जीरो? यस। 143 का प्रेजेंट वैल्यू बोरो कर लिया तो मेरे पास आज 101.96 आ गया। उसी चीज का फ्यूचर वैल्यू बैंक को चुकाना है जो मेरे को मिलने वाला था उससे, तो वो उसको चुका दिया, तो मेरा जीरो कैश फ्लो एट टाइम इक्वल टू 5 इयर्स है। सो 143 एट टाइम इक्वल टू 5 इयर्स इज एक्चुअली इक्वल टू 101.96 एट टाइम इक्वल टू जीरो। अगर कोई बोलता है कि मैं तुमको 143 पांच साल बाद दूंगा, तो तुम उसको बोलोगे कि हाँ ठीक है, दैट इज फाइन, दैट इज सेम एज गेटिंग 101.96, बिकॉज उसी का प्रेजेंट वैल्यू बैंक से बोरो करोगे। सो यू कैन रफा दफा करो एट दी एंड, 5 इयर्स के बाद योर कैश फ्लो जीरो। रेट तो आज लॉक्ड इन है तुम्हारा, देयर विल बी नो चेंज। बोलो। सो यू अंडरस्टैंडिंग, मनी हैज गॉट टाइम वैल्यू एंड यू कैन इजिली आगे पीछे कर सकते हो इस चीज को। मनी हैज गॉट टाइम वैल्यू एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी निकाल सकते हो, ठीक है? दूसरा चीज, एक तो यूनिटरी मेथड वर्क। 100 रुपए अगर 140 बन रहा है तो 143 का आज का कीमत क्या? स्मॉल लिटल थिंग्स आर देयर। 100 बिकम्स 140, आई नो दैट। सो 1 रुपी बिकम्स हाउ मच? 100 बाय 140, सो 143 विल बिकम हाउ मच? इनटू 143। दिस इज एज गुड एज 143 डिवाइड बाय 1.07 टू द पावर 5। ये वैसे ही तो आया है, 140 बाय 100 which is 1.40, which is, घूम फिर के सेम है तुम्हारा यूनिटरी मेथड, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये जो 8, 9, 10 में सीखा है ना, वही सब लॉजिक अप्लाई हो जाएगा, नया कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। बोलो, क्लियर टिल हियर? दैट इज अ कंपाउंडिंग एंड सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट। अभी इसमें तुम लोग का कंपाउंडिंग में भी वो फ्रीक्वेंसी वाला चीज आता था, टाइम जीरो से लेकर टाइम वन ईयर। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? 1+R/M टू द पावर n इंटू m कर देते थे। 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो सपोज 12% है तो यू वुड डू 0.12 ओवर हियर। अगर क्वार्टरली है तो डिवाइड बाय 4 और जितना भी नंबर ऑफ इयर्स है उसको इनटू 4। इसी चीज को एक्चुअली एक्सप्लेन करूंगा अभी। 12% कंपाउंडेड एनुअली का मतलब, आज अगर 1 रुपए डिपॉजिट करोगे तो आपको 1 साल बाद इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ 1.12 देगा, ठीक है? दैट इज फाइन। अगर यही एनुअली को, आई से सेमी एनुअली, अगर आज आप 1 रुपया डिपॉजिट करोगे, ये आपको इंटरेस्ट के साथ सेमी एनुअली, मतलब क्या है? योर कूपन, योर इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी पेड इन एवरी 6 मंथ्स टाइम। सो ओवर हियर एट So if you invest 1 rupee here, you get 1.06 over here. 12% per annum compounded semi-annually का मतलब है 12 का आधा कर दो 6%, 6-6% करके इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 रुपया 1.06 होगा, 1.06 के ऊपर 6% मिलेगा, दैट बिकम्स वॉट? 12.4। अगर मेरे को 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली बोलेगा एंड इफ आई टेल यू 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, विच वन विल यू चूज? सेमी एनुअली, बिकॉज जितना कंपाउंडिंग ज्यादा बढ़ेगा यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इफेक्टिवली व्हाट इज योर एनुअल रेट? 12.36%। इफेक्टिवली हाउ मच आर यू अर्निंग? यहां पर इफेक्टिवली 1 रुपया 1 रुपया 12 पैसा बन गया 1 साल में, तो 12% इज माई रेट। यहां पर इफेक्टिवली 1 रुपया इज बिकमिंग 1.1236। 1 becomes 1.06, that becomes 1.06 squared. So in total, 1 rupee becomes 1.1236 at the end of 1 year. So your effectively rate is what? 12.36%? वही चीज मैं क्वार्टरली करता हूं,
सो यू गेट 1 रुपी बिकम्स 1.03, 1.03 स्क्वायर, 1.03 क्यूब, 1.03 टू द पावर 4, दैट विल गिव यू 1.1255 आई गेस 1.1255 ठीक है। यहां पर इफेक्टिव रेट क्या हो गया 12.55%, बिकॉज यहां पे तुमको 6 पैसा मिला, यहां पे 3 पैसा मिला, 3 पैसा मिला और 3 पैसा के ऊपर और 6% मतलब 3% मिला, यहां पे वही टोटल अमाउंट के ऊपर वापस 3% अगेन 3% यू आर इंक्रीजिंग द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। न्यूटन ना कौन सा एक वो था ना कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, न्यूटन बोला था ना, कौन बोला, आइंस्टाइन बोला था, आइंस्टाइन एंड मेंशन कंपाउंडिंग इज द 4th वंडर इन द वर्ल्ड, कंपाउंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज ह्यूज। ये कंपाउंडिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो देखो रेट कैसे बढ़ रहा है, सेमी एनुअल किया 0.36% रेट बढ़ गया, 36% इज अ बिग डील, 25 देखो। अच्छा वन मोर थिंग, 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट, ये मत सोचना कि बुक में नहीं है, मैं बेकार का पढ़ा रहा हूं एक्स्ट्रा, क्योंकि तुम लोगों को कोई ना कोई एलओएस में सब आएगा ही, मतलब आगे पीछे यू विल नीड टू अंडरस्टैंड बेसिस पॉइंट का मतलब। 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट, तो यहां पे 0.36% इंक्रीज मतलब 36 बेसिस पॉइंट। न्यूज़पेपर्स पढ़ना चालू करो, आई टोल्ड यू न्यूज इन शॉर्ट से स्टार्ट करोगे एंड उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया का बिजनेस पेज कोई पढ़ा है लास्ट पूरा एक वीक में कुछ भी न्यूज थोड़ा बहुत भी, कोई फायदा नहीं हो बोलने का, होमवर्क है प्लीज न्यूज पढ़ना चालू करो। देखो क्या होगा ना, यू विल रीड की रघुराम राजन हैड इंक्रीज 50 बेसिस पॉइंट रेट, 50 बेसिस पॉइंट रेट पे मार्केट 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, 500 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे होने का मतलब थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का वैल्यूएशन का चेंज। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अ पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट 0.25% इज वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन द स्टॉक मार्केट, इट इंपैक्ट्स द इकोनॉमी वेरी हाईली। अभी वो बोला ना जीडीपी का ग्रोथ रेट फोरकास्ट था 7.5-8%, अभी बोलता है नहीं वी आर रिवाइजिंग इट टू 7-7.5, चाइना इज गोइंग टू बी 4.3% के आसपास। सो वो 0.25% भी अगर वैल्यूएशन कम करता है ना पूरा कंट्री ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब नॉट ऊपर नीचे बट देयर इज अ ह्यूज इंपैक्ट। सो अ स्मॉल चेंज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सीएफए का कैलकुलेटर आ जाएगा तो बताऊंगा, तुम लोग 6 डेसिमल प्लेस में रखोगे अपना कैलसी एंड एटलीस्ट 4 डेसिमल्स के साथ वर्क करोगे, प्रेसिजन इज इंपॉर्टेंट परसेंटेज में। हाँ अगर 1 मिलियन है तो 1 मिलियन में 10-20 डॉलर ऊपर नीचे फर्क नहीं पड़ेगा, बट वेन इट्स अ 0.1255 1236 इट्स ह्यूज डिफरेंस राइट। सो डेसिमल वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट, 12% का तुम्हारा रेट 12.36% हो गया एंड 12.55% हो गया जस्ट बिकॉज यू इंक्रीज द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। आई कंपाउंड वंस पर एनम, ट्वाइस, फोर टाइम्स। कंपाउंडिंग अगर पर मंथ होगा तो व्हाट विल 1 रुपी बिकम, 1.01 टू द पावर 12 इन वन ईयर, 12% बाय 12, सो 1% एवरी मंथ, तो 1.01, 1.01 स्क्वायर क्यूब टिल 1.01 टू द पावर 12, इसका आंसर कितना आएगा, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.1268। So your percentage has increased from 12% to 12.36, 12.55, 12.68%. अच्छा 12.68 को 12.68 क्यों नहीं बोलते हैं? 12.68 को 12.68 बोलना is incorrect. मतलब you don't say it in that manner. Why? Irrespective of जितना भी zero लगा वो 12.68 ही रहे। 12.68 भी बोलूँगा तो zeros तो लगा ही सकते हो। You can. Exactly, 12.68 मतलब it can be 12.6800, 68,000, 68 lakh, इसलिए उसको 12.68 बोलते हैं। सिंपल चीज पूछता हूँ, द कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं पता है? When do you call it? You can also pronounce द as दी. When do you pronounce it as द and when do you pronounce it as दी? दी is before a vowel. दी is before a vowel. So 99% मतलब 95% of you people did not know that. When, मतलब द कब बोलते हो, दी कब बोलते हो, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज है। चार पांच स्पेलिंग पूछूंगा क्लास के बाद ब्रेक में, बताना एकदम बेसिक क्वेश्चन, मतलब बेसिक स्पेलिंग पूछूंगा। मेंटेनेंस का स्पेलिंग बताओ, मेंटेनेंस बहुत ही सिंपल वर्ड है, एम ए आई एन, सबका श्योर है? एनीबडी एनी डिफरेंट आंसर? टी ए टी टी ए आई एन, मेंटेन, M A I N T A I N, मेंटेनेंस, M A I N T A I N
एएनसी ईएनसी क्या है, एआईएन है, ईएन है, एएन है, क्या है? मेंटेनेंस इज एमएआईएन, टीईएन एएनसी, दैट वाज करेक्ट. मोस्ट ऑफ पीपल गो विद टीएआईएन. जजमेंट बताओ. गलत. जे यू डी जी एम ई एन टी, देयर इज नो ई एन जी एंड डी के बीच में. जज डी यू जी जे यू डी जी एम, देयर इज नो ई एन बिटवीन. अकोमोडेट मिलेनियम, स्पेलिंग चेक करो. ठीक है, जो भी है, कम बैक टू दिस वन. फॉलो द करेक्ट पेजेस ऑन फेसबुक. न्यूज पढ़ना चालू करो, दैट्स इट. पॉलिटिक्स बाद में थोड़ा, इकोनॉमिक्स बिजनेस न्यूज थोड़ा सा फॉलो करना चालू करो. आज दो तीन स्टॉक का नाम बताऊंगा एंड बताऊंगा कैसे वो स्टॉक्स को फॉलो करना चालू करना है. वी विल स्टार्ट फॉलोइंग. थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है सब पढ़ने का. 1% इज 100 बेसिस पॉइंट. अगर कंपाउंडिंग ज्यादा होगा तो अमाउंट विल इंक्रीज, करेक्ट? सो 1 रुपी बिकम्स 1.1268 इफ यू आर कंपाउंडिंग ऑन अ मंथली बेसिस. ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है? 1+R, जो भी 12% था, क्वार्टरली हुआ तो 2, सेमी एनुअली 2, क्वार्टरली 4, दैट इज वॉट, टू द पार एम, होल टू द पार एम. एम को एक बार छोड़ दो. 1 रुपी बिकम्स इतना इन वन ईयर. 1 रुपी बिकम्स इतना इन वन ईयर. जितना एम को हाई करोगे उतना ज्यादा ये वैल्यू ऊपर जाएगा, करेक्ट? ओके. अब एक बात बताओ, तुम्हारा फेसबुक है, फेसबुक का स्टॉक ट्रेड होता है मार्केट में? होता है, लिस्टेड स्टॉक है. अच्छा, फेसबुक रात को पैसा कमाता है, दिन में पैसा कमाता है, आपको इंटरेस्ट कब देता है? 3 महीना में, 6 महीना में, कब कमाई करता है? फेसबुक इज अर्निंग, सो दे आर अर्निंग ऑन अ मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस. उनके पैसे कमाई कब होते हैं? डेली बेसिस, आरडी बेसिस नहीं हो सकता, मिनट बेसिस हो सकता है, सेकेंड बेसिस भी हो सकता है. देर इज अ कंटिन्यूअस बेसिस इस पे फेसबुक इज अर्निंग. आप एप्पल का देख लो, मैकबुक कैन बी सोल्ड ऑनलाइन. You can order it at 12 o'clock at night, 1 o'clock at night, 3 o'clock at night. So basically, Flipkart का listed नहीं है, but at least valuation तो होता ही है. The idea is, companies, stocks वगैरह continuous basis पर कमा रहे हैं. आप इसमें bank का interest बोलोगे तो हाँ ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ semi annually दिया, quarterly दिया, annually दिया, आपको interest मैं हर महीने दूंगा, 15 दिन में दूंगा, daily दूंगा. लेकिन जब companies वगैरह का बात करते हैं, उसका भी तो return calculate करना पड़ सकता है. स्टॉक प्राइस बिकेम 100 से लेकर 120 इन 5 years, सो वॉट इज द रिटर्न? वो तो यू कैन बैक कैलकुलेट ना. 100 बिकम्स 120, पीवी इज इक्वल टू वॉट? एफ वी बाय 1+R टू द पावर एन. सो 100 इज इक्वल टू 120, 2 years में बोल रहा हूं, तो 1+R होल स्क्वायर. बेसिकली इतना घटिया तरीके से भी नहीं जाता हूं. 1 बिकम्स 1.2 इन 2 years, सो 1 year में कितना? 1.2 का स्क्वायर रूट, दैट इज 1.0955. मतलब 1 रुपी बिकम्स 1.095 इन 1 year, मतलब 9.5% का रेट है. तब ये रेट है जब कंटिन्यूअस, जब आप इसको कंपाउंड कर रहे हो 1 year में. मतलब आपको लग रहा है कि स्टॉक एक साल में आपको रिटर्न दे रहा है, लेकिन स्टॉक तो कंटिन्यूअस बेसिस पर रिटर्न देता है. इट इज नॉट कंपाउंडिंग एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली और डेली और मिनटली. इट इज कंपाउंडिंग कंटिन्यूअस बेसिस पर. मतलब दिस एम शुड टेंड टू इंफिनिटी. एम शुड टेंड टू इंफिनिटी. सेमी एनुअल था 2 किया, क्वार्टर था 4 किया, मंथ था 12 किया, मिनट सेकेंड करते करते एम टेंस टू इंफिनिटी. सो वेन एम टेंस टू इंफिनिटी, वेन एम टेंस टू इंफिनिटी, ई टू द पावर आर. जैसे आप लोग का पाई होता है 22/7, 3.142 समथिंग यू हैव. सिमिलरली यू गॉट अ नेचुरल, ई को नेचुरल नंबर बोलते हैं. E is called the natural number 2.718 इसका वैल्यू. यू डोंट हैव टू रिमेंबर, डोंट वरी. 2.718, जैसे पाई होता है ना एक फिक्स नंबर, वैसे E होता है फिक्स नंबर, नेचुरल नंबर. सो वेन एम टेंस टू इन्फिनिटी दिस 1+R टू द पावर आर बाई एम होल्ड टू द पावर एम विल टेंड टू ई टू द पावर आर. e to the power 0.12 करेंगे, that will be equal to 12.75%. that is the maximum achievable rate. इस ज्यादा हो नहीं सकता. तुम कंपाउंडिंग 12% पे कंपाउंड करोगे मंथली, एनुअली, सेकेंडली, इनफाइनाइटली कंपाउंड कर लोगे, उससे ज्यादा कंपाउंडिंग पॉसिबल ही नहीं है. तो 12% मैक्सिमम वॉट कैन यू गेट वेन यू कैन कंटिन्यूअसली कंपाउंड. कंटिन्यूअस कंपाउंड होगा, दैट इज एम टेंस टू इन्फिनिटी,
एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस होल वैल्यू विल बी इक्वल टू ई टू द पावर आर, दैट इज ई टू द पावर 0.12। कैलकुलेटर में कुछ नहीं करना है, ये ln करके एक वैल्यू दिया है उसके ऊपर में ई टू द पावर एक्स लिखा है छोटा सा एकदम, ठीक है। तुम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर जो लोग यूज किए हो पता है ना कि बटन्स के ऊपर में और दिया हुआ रहता है, शिफ्ट यूज करके कर लेते अपने। मेरे को सपोज आई वॉन्ट टू यूज ये वैल्यू बटन के ऊपर जो लिखा है, ऑन द बटन आई प्रेस द बटन, अबव द बटन जो लिखा है उसके लिए शिफ्ट बटन विल वर्क। वैसे यहां पे सेकंड दिया हुआ है, शिफ्ट है सेकंड, सो ln के ऊपर e टू द पावर x दिया हुआ है, तो 0.12 का ln करना है, 0.12 लिखा, सेकंड ln, आंसर इज 1.127497, दैट इज 1.1275। सो अगर इनफाइनाइटली कंपाउंड करेंगे तो एक रुपया विल बिकम 1.1275, मतलब 12.75% इज योर इफेक्टिव रेट यू आर गेटिंग व्हेन इट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। बोलो क्लियर यहां तक? दैट इज दैट। एक बार ये वाला पार्ट कॉपी कर लो। समझ में आ रहा है यहां तक? एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यूज स्टिल हियर? प्रॉब्लम का तो बोलना। हाँ, ये टाइम फ्रेम वाला एक बार कॉपी कर लो इस तरीके से, एन्युअली, सेमी एन्युअली, क्वार्टरली, मंथली एंड कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअस वाला चीज पे और अभी थोड़ा टाइम पास करेंगे। Till here. So you increase the compounding frequency and your amount increases, effective annual rate increases. Effective rate जो आप per annum कमा रहे वो increase करेगा, आप amount increase करोगे, compounding frequency increase करोगे, तो effectively what you are earning on a per annum basis, that rate will also increase and the amount you achieve will also increase. So obviously we would want higher frequency. अभी देखो, e to the power r जब कर रहे थे, so 1 e to the power 0.12 is equal to 1.1275. मेरे को बैक कैलकुलेट भी तो करना पड़ सकता है। से फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आप बोल रहे हो कि अगर आप एक रुपया इन्वेस्ट करो एंड उसको कंटिन्यूअसली कंपाउंड करो 12% पे, तो योर आंसर विल बी 1.1275। मतलब यू आर इफेक्टिवली गोइंग टू अर्न हाउ मच पर एनम, 12.75%, राइट? अगर मैं आपको बोल देता हूं कि 1 रुपी आई इन्वेस्टेड 200 इन अ स्टॉक, दैट बिकेम 225 इन 1 ईयर। अभी बताओ क्या रेट पे कंटिन्यूअसली कंपाउंड हुआ होगा जिससे 200 बिकेम 225? मतलब 200 बिकेम 225 इफेक्टिवली मींस एवरी 1 रुपी बिकेम हाउ मच, 1.125, 225 बाय 200,
और इसको नहीं तो 225 मत करो, 250 कर दो, तो आंसर थोड़ा इजी होगा समझने में। 200 रुपए अगर 250 बन रहा है एक साल में, तो एक रुपया इज बिकमिंग 1.25 टाइम्स ना, 25% ग्रोथ है, बट वो इफेक्टिव है। तो किस रेट पे कंटिन्यूअसली कंपाउंड किए होंगे कि इफेक्टिवली 25% का रेट है? पहला बात बताओ, 25% ज्यादा होगा कम होगा कि 25 होगा आंसर? योर कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग रेट विल बी लोअर, हायर और इक्वल टू 25%? लोअर, क्योंकि 25% तो चाहिए, तो कमती रेट पे बार बार कंपाउंड कर करके आई विल गेट 25, सो आई नीड अ रेट विच इज लोअर। टेक्निकली ई टू द पावर आर इज इक्वल टू 1.25, सेम चीज, ई टू द पावर आर इज इक्वल टू 1.25। लॉगरिथम किसका किसका नहीं किया एकदम भी? नहीं किया, 9th 10th में तो किया है, याद नहीं है वो, ठीक है, ओके। लॉगरिथम क्या होता था, लेट्स रिवाइज लॉगरिथम फर्स्ट। ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, हम लोग को एक्स निकालना होता था लॉगरिथम के लिए, लॉग ऑफ वाई बेस ए इज इक्वल टू एक्स, दैट इज वन। दूसरा, लॉग ऑफ ए बेस ए इज इक्वल टू वन, ठीक है। यहां पे भी देखना, ये सब लगेगा, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा 2-4 क्लास बाद, तो वहां पे ये सब बेसिक सब काम आने वाला है। यहां पर इफ आई टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, कैन आई डू दैट? लॉग 1.2, हाँ ठीक है, वैसे देखते हैं, आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1.25, बेस में इसको नीचे ले आता हूं ई, राइट। हम लोग स्कूल में जब करते थे तो नॉर्मली तुम लोग अज्यूम करता था कि बेस क्या है, 10, डेसिमल के हिसाब से अपने 10 ले लेते थे। अपने क्वांट्स जब करेंगे, स्टैटिस्टिक्स, क्वांट्स, फाइनेंस एंड ऑल, वी जनरली टेक ई एज द बेस, नेचुरल नंबर एज द बेस। लॉग बेस ई इज रिटन एज ln, लॉग बेस ई इज रिटन एज ln, ln मतलब लॉग नेचुरल नंबर को बेस लेकर, अपना ई को नेचुरल नंबर बोलते हैं ना, बोला ना आप लोगों को, ई को नेचुरल नंबर बोलते हैं, ई फिक्स नंबर है, याद करने का जरूरत नहीं है। और सपोज ई का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ा, तो वन करके इफ आई डू सेकेंड ln, सॉरी वन करके इफ आई डू सेकेंड ln, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर वन, विच इज ई का वैल्यू, विच इज 2.718282, मतलब दैट सिंपल, मतलब कैलकुलेटर यूज करना बता रहा हूं। सो दिस इज एज गुड एज ln 1.25, उससे आर मिलेगा, दैट इज 1.25 कैलसी पे लिखेंगे एंड ln प्रेस करोगे तो आएगा 20.223144, तो 22.31%। मतलब 22.31% पे अगर कंटिन्यूअसली कंपाउंड करेंगे तो इफेक्टिवली 25% रेट आएगा। लेट्स से 1.1275 का करता हूं, 1.1275 जो लास्ट सम था उसका ln किया, कितना आया 0.12003, वो 0003 इसलिए आया क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू वाज 1.127497, मैंने उसको राउंड अप करके 1.1275 किया था। मतलब अगर आपको एक बैंक बोलता है कि मैं तुमको 22.3% कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड दूंगा, या फिर दूसरा बैंक बोलता है 25% दूंगा एनुअल कंपाउंडिंग, इफेक्टिव एनुअल रेट, एनुअल कंपाउंडिंग, विल यू बॉदर? दोनों बैंक तो सेम ही है। अब मैं तुम लोग को दो दो ऑप्शन दूंगा, एक बैंक ये रेट दे रहा है, एक बैंक ये रेट दे रहा है, यू विल हैव टू चूज विच बैंक टू गो फॉर। वन ऑब्वियसली एक बोलेगा क्वार्टरली, एक बोलेगा सेमी एनुअली, समथिंग विल बी डिफरेंट, सो आई गिव यू लिस्ट ऑफ रेट, लेट्स सी इफ यू कैन डू दैट, ठीक है। ये लॉगरिथम वाला वापस आएगा बाद में, एंड मैथ्स को देख के टेंशन मत लेना, यहां तक समझ में आया ना, लॉगरिथम इतना ही लॉगरिथम है, उससे ज्यादा लॉगरिथम नहीं है। सो डोंट वरी कि लॉग आ गया, इंडेक्स नंबर आ गया, इंडेक्स नंबर कितना होगा, ए टू द पावर एक्स होल टू द पावर वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स वाई, आता है ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए टू द पावर वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स माइनस वाई, और 1/8y-x, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई इज इक्वल टू ए टू द पावर, आता है इतना, यही और कुछ नहीं है, इतना ही इंडेक्स नंबर है। सो ओनली बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड, जो अपने क्लास में वापस एक्सप्लेन करेंगे। सो मैथ से डरना मत एकदम भी, डोंट हेट इट, डोंट पुश इट अवे, ठीक है, ठीक है। मेरे साथ साथ ही कॉपी कर लो।
ये नहीं भी लिखूंगा तो रेट्स आर ऑलवेज गिवन इन पर एनम बेसिस, रेट कभी भी और तरीके से नहीं देता, हमेशा पर एनम बेसिस पर ही देगा, सो आई डोंट इवन नीड टू राइट पीए. फोन साइलेंट रखेगा सबको ही. Do these, which is better? इसमें फोन का कैलकुलेटर भी चल जाएगा वैसे. अच्छा कंटिन्यूअस वाले में नहीं कर पाओगे ना, ठीक है, जस्ट राइट व्हाट यू नीड टू कंपेयर, जस्ट गेट मी द लास्ट स्टेप एंड वी डू इट. कैलसी में है ना, नॉट अ प्रॉब्लम. कल एक बार नॉर्मल कैलकुलेटर या साइंटिफिक जो भी बेस्ट कैलकुलेटर पॉसिबल हो, जस्ट कैरी दैट फॉर टुमारो, नेक्स्ट वीक तक तो आ जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम. फोन यूज कर सकते हो, फोन को भी स्लांट करोगे तो वो साइंटिफिक बन जाता है, पता है ना.
कितना हुआ, पांच भी आवे कितना हुआ, हो गया सारा गुड। हाँ विल डू अपने करेंगे। एक दो में शॉर्टकट भी है, करना ही नहीं पड़ेगा पूरा। यू डोंट नीड कैलकुलेटर फॉर टू ऑफ देम। ठीक है यहां तक, लेट्स सी। पहला वाला बोल रहा है 10% पर एनम क्वार्टरली, 11% पर एनम सेमी एनुअली। कैसे फाइंड आउट करोगे? एक रुपया एक साल में क्या बन रहा है, दोनों केस में देख लो, जिसमें ज्यादा बनेगा वो बैंक में डालेंगे पैसा। यहां पे एक रुपया एक साल में कितना बनेगा, 1.10% पर एनम क्वार्टरली, 10% एक क्वार्टर में, एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4, तो दैट इज 2.5%। इतना दिमाग, मतलब ये ट्राई करना कि कैलकुलेटर से ज्यादा कहीं कहीं दिमाग भी जल्दी चले। ये मत करना 0.10 डिवाइडेड बाय 4, दिमाग जल्दी चलना चाहिए, 2.5% आना चाहिए दिमाग में। 10% एक साल का है तो क्वार्टर का कितना होगा, 2.5%, दैट बिकम्स 1.025 टू द पावर 4। यू विल कंपेयर दिस विथ 1.055 स्क्वायर, इसका जो भी आंसर आएगा, सो आइदर यू कंपेयर 1.025, 1.103813, दिस बिकम्स 1.103813, छोड़ दो, एंड दैट विल बिकम 1.055 स्क्वायर, दैट इज 1.1133 समथिंग। मतलब क्या है, या तो तुम अमाउंट को कंपेयर कर लो, या फिर इफेक्टिव रेट कितना हुआ, 10.38% एंड 11.3% समथिंग। रेट निकालना कितना इजी है, 1 हटा दो रेट निकल गया। 1 लेने का फायदा बहुत है, 1 लेने का फायदा बहुत है, वी विल ऑलवेज टेक 1 एज अ बेस, एक्सक्यूज मी। सो 1 बिकम्स 1.1038, मतलब 10.38% इज अ एनुअल इफेक्टिव एनुअल रेट। मतलब पर एनम बेसिस कंपाउंडेड एनुअली का रेट निकालोगे तो 10.38% होगा। सो इफ समवन टेल्स यू 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली और 10.38% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यू आर इनडिफरेंट, दोनों बैंक चलेगा। इफ समवन टेल्स यू 11% कंपाउंडेड सेमी एनुअली और 11.3% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यू आर इनडिफरेंट। सो 10% क्वार्टरली हो, 11% सेमी एनुअली हो, यू विल चूज व्हाट, 11% सेमी एनुअली। तुम लोग को इस सम को कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं था 11% सेमी एनुअल, 10% क्वार्टर, हाँ था, ठीक है, आई कम टू दैट। यहां पे क्या होगा, सेम चीज है, 1 बिकम्स 1.04 एंड इफेक्टिव एनुअल रेट इज ऑल्सो 4%। यहां पे रेट क्या है, 3.5, मतलब क्या, 1+3.5 इज 1.75, उसका भी 1/4, उसका भी हाफ कितना होता है, दैट इज 0.875। सो 0.875% मतलब क्या, 0.00875 टू द पावर 4। 3.5% इज 0.035, 0.035 बाई 4 करेंगे, 0.035 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0.00875, मतलब 0.875%, 3.5% का 1/4। ऐसे भी देखो ना, 3.5% का 1/4 विल बी थोड़ा सा लेस देन 1%, 4 का 1/4 इज व्हाट, 1%, तो 3.5 में 0.5 का 1/4 लेस करना है, विच इज 0.125। सो 1% से 0.125 लेस करोगे तो 0.875 आएगा। Anyways, you have the calculator, so that is not a problem. 0.875%, but अपना दिमाग को थोड़ा तेज बनाने का ट्राई करो ये सब में, ठीक है, 0.875%, so 1+0.00875. अब तुम लोग गलती से अगर 0.0875 कर दोगे, वो आंसर ऑप्शन में रहेगा, दैट इज रॉन्ग आंसर, 1.0875 इज रॉन्ग, 8.75%, 3.5 का क्वार्टर में कैसे 8.75 हो सकता है, राइट, दैट विल गिव यू 35462, 1.035462, मतलब 3.462%, 3.5462%, विच इज बेटर।
सो दिस वन में बैंक ए इज बेटर, दिस वन में कौन सा बेटर आया था, वो वाला बैंक बी। सी में क्या आएगा, ई टू द पावर 0.06 को कंपेयर करोगे 1.0325 का स्क्वायर से, 6.5 मतलब क्या, पर सेमी एनुअल, पर हाफ ईयर कितना होगा, 6.5 का हाफ 3.25%, सो वन बिकम्स 1.0325 इन 6 मंथ्स, सो वन ईयर में कितना 1.0325 स्क्वायर, सिंपल। बोलो एनी वन नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, प्रॉब्लम श्योर। सो वन बिकम्स 1.0325 स्क्वायर एंड ई टू द पावर 0.06 बनेगा ना यहाँ पे 6%, ये तो अपने किए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ये तुम लोग का पहले कभी किया हुआ नहीं है, तो दिस यूल गेट यूज टू ई टू द पावर 0.06, सो वो आ रहा है आपका 1.0618, और ये आएगा 1.0660 something, तो 6.6% 6.18% विच इज बेटर बी। इन दोनों में करने का जरूरत नहीं, इन दोनों में कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, 5% को कंटिन्यूअसली कंपाउंड करोगे और कमती रेट को कमती फ्रीक्वेंसी से कंपाउंड करोगे, ऑब्वियसली इज गोना बी बेटर, रेट भी बेटर, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग भी बेटर, ऑब्वियसली ए इज बेटर। You should not have calculated this. जानबूझ के दो दिया था, इसमें भी नहीं होगा calculation. इसमें फिर जानबूझ के घटिया number भी बिठाया था कि irritate होंगे अगर नहीं दिमाग लगाया तो। यहां पर you are compounding it more and with a more rate, obviously this is better. यहां पर what? Quarterly 0.28 पे, semi annually 0.44 पे, नहीं sorry, इसमें calculate करना पड़ेगा, इसमें calculate करना पड़ेगा, this will be what? 1 plus 0.1428, स्क्वायर, एंड दिस विल बी 1.0357 टू द पावर 4, बुझलें, समझ आया सब अच्छा से यहां तक, दैट इज इट, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, यूनिटरी मेथड, थोड़ा सा लॉगरिथम डाल दिया बीच में, ठीक है यहां तक क्लियर श्योर। लेट्स मूव टू द सेकंड बिट, कॉपी हो गया ना वाला, ये वाला आंसर निकाल लेना, लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दो चार चीज, डिस्काउंटिंग फैक्टर वैक्टर दो चार चीज और बोलते हैं, वो थियरी पे बाद में आएंगे। सबसे पहले मेरे को एकदम शांति से अच्छा से समझाओ तुम लोग कि अगर मैं एक रुपया आज बैंक में डालता हूं, लेट्स से भाई टाइम जीरो ले लो, टाइम वन ईयर ले लो, एक आज 400 रुपए डालते, लेट्स से इधर 100 लेते हैं, 100 रुपया बैंक में डालता हूं, बैंक का रेट इज 8%, बैंक मेरे को कितना देगा 108, ठीक है। अच्छा अभी 100 रुपया में कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता, बर्गर खरीदा आज के दिन, बर्गर का प्राइस इज इक्वल टू 100, एक साल बाद बर्गर का प्राइस 100 रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, लेट्स से द बर्गर कॉस्ट ओवर हियर 105 का, इन्फ्लेशन होगा, चीज महंगा होगा, आलू प्याज महंगा ही होने वाला है, ब्रेड वगैरह, नथिंग इज गेटिंग चीपर। द अदर डे आई पेड फॉर किटकैट माई सेल्फ, 25 bucks का हो गया 10 rupees से, मतलब आई हैड पेड लास्ट 10, बाकी तो ऐसे आता रहता है, मतलब आई नेवर पेड फॉर इट माई सेल्फ, वरना मतलब कभी ध्यान नहीं दिया होगा पे करते टाइम, खाली ये किटकैट खरीदा 25 रुपए हो गया, आई डिड नॉट नो इन्फ्लेशन इज क्वाइट हाई। ओके 100 रुपया का बर्गर 105 हुआ, इसका मतलब इन्फ्लेशन रेट क्या है, 5%, ठीक है, 100 रुपये का सामान 108 रुपये का हो गया, 108 रुपये में कितना बर्गर मिलेगा आपको, वन बर्गर, हाँ वैसे एक है ठीक है, वन बर्गर इज 105, सो 1 रुपी में कितना बर्गर, 1/105 बर्गर,
अज्यूमिंग बर्गर इज अ फुल्ली डिविजिबल सिक्योरिटी, नेवर माइंड. सो वन रूपी में इससे अच्छा जोक नहीं मिलेगा. फाइनेंस क्लास में ऐसे लेवल का जोक के साथ गुजारा करना पड़ेगा. ठीक है, वन रूपी इज फॉर 1/105 बर्गर. सो 108 रुपया में कितना बर्गर मिलेगा आपको? विच इज हाउ मच? जस्ट गिव मी वन द नंबर. 1.025. ठीक है, मतलब 1.0286 बर्गर यू कैन बाय. आज बर्गर खरीदोगे तो एक बर्गर खाने को मिलेगा, एक साल बाद बर्गर खाओगे तो 1.0286 बर्गर खाने मिलेगा. करेक्ट. द आइडिया इज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन बैंक यू आर गेटिंग व्हाट? 8% रिटर्न. दैट इज इन नॉमिनल टर्म्स. नॉमिनल टर्म्स मतलब 100 का नोट डालोगे तो 100 रुपए और 8 रुपए का चिल्लर आएगा. बैंक में 100 रुपए डालोगे तो 108 रुपया आएगा. रुपया क्या होता है? रुपया इज जस्ट अ नोट, अ करेंसी. मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वादा करता हूं. दैट इज व्हाट इज रिटन ऑन योर करेंसी. करेंसी उठा के एटलीस्ट घूरो एक बार, मतलब देखो तो सही नोट पे क्या लिखा है. यूएस डॉलर का पूरा पता होगा. नेशनल ट्रेजर कौन कौन देखा है? 3 जन 4 जन 5 जन खाली. ये नेशनल ट्रेजर जैसा मूवी तो सबका देखा होना चाहिए. आधा देखा है. छोड़ कैसे दिया यार आधा देख के. मेरे को लगा बंदी अच्छी नहीं लगी. ठीक है, एनी वेज द आइडिया इज वो करेंसी पे. देयर आर सो मेनी क्लूज ऑन द करेंसी इटसेल्फ. I don't know. I think these movies are pretty nice. You should have watched. Now you're missing out. Matlab, please, Dilwale Happy New Year ko chhodo and watch these movies. It makes more sense. Anyways, so matlab, आप 100 रुपए बैंक में डालोगे तो बैंक आपको 108 देगा. लेकिन आपका फायदा 108 का नहीं हो रहा है. आप आज खर्च करते तो एक बर्गर खा पाते. आप एक साल बाद में अगर बर्गर खाओगे, यू आर गेटिंग 2.8% एक्स्ट्रा बर्गर. यू गेटिंग 0.028 एक्स्ट्रा बर्गर टू ईट. अरे आज सोना खरीदा तो इतना में 1 किलो सोना आया, तो फ्यूचर में खरीदोगे उतना ही रुपया में उतना 1 किलो सोना नहीं आएगा. यू गेटिंग द आइडिया? सो व्हाट इज योर रिटर्न? योर रिटर्न इज नॉट 8%. अगर गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में देखोगे तो तुम्हारा रिटर्न खाली 2.86% है. इफ यू सी योर रिटर्न इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट हाउ मच ऑफ एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर हैव गॉट. बैंक में पैसा डालने के कारण मेरे को कितना एक्स्ट्रा सामान खरीदने को मिल रहा है, तो वो 2.86% है खाली. 100 रुपए से 108 तो मिल गया, लेकिन 108 में तुम 8% एक्स्ट्रा सामान खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि सामान का दाम 5% महंगा हो गया है. तुम खरीद खाली 2.86% एक्स्ट्रा सामान सकते हो. सो योर रियल रिटर्न, योर रिटर्न इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज 2.86%. योर रिटर्न इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज 2.86%. 5% इज इन्फ्लेशन. बैंक इज गिविंग यू 8% रिटर्न. यहां पे लॉजिक कैसे आया? 8% इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5% प्लस 2.86, लाइक 3%. एक्यूरेट चाहिए तो 1 रुपी बिकेम 1.08. वो 1 रुपी का सामान 1.05 हो गया है. तो ये बैक कैलकुलेट किया, दिस इज इंटू 1.0286. 1 प्लस नॉमिनल रिटर्न इज इक्वल टू 1 प्लस इन्फ्लेशन इंटू 1 प्लस रियल रेट. लिखाऊंगा ये सब. पहले समझो, 8% नॉमिनल रिटर्न है कि 100 रुपए डालोगे तो कितना मिलेगा? 8% मिलेगा. उसमें से इतना तो तुम्हारे इन्फ्लेशन के कारण खा गया. इतना तुम्हारा रियल टर्म्स में मोर, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में तुम इतना एक्स्ट्रा परचेज कर पाओगे. से फॉर एग्जाम्पल, बैंक अगर तुमको बोलता है कि मैं तुमको 2% रिटर्न दूंगा, तुम बैंक में पैसा डालोगे? बोलोगे यार आज एक बर्गर मिल रहा है, मैं बाद में अगर 0.2 बर्गर खरीदूंगा, मतलब 0.8-0.9 बर्गर, मतलब अगर 2% रेट हुआ, सो व्हाट? तुम्हारा 100 रुपए का बर्गर 105 हो जाएगा. अगर बैंक तुमको 105 से कमती देगा, तुम कभी भी बैंक में पैसा नहीं डालोगे. आई कैन हैव मोर टुडे एंड लेस इन फ्यूचर, आई हैव मोर टुडे. बर्गर नहीं है, गोल्ड है. मैं आज गोल्ड खरीद के घर पर रख दूंगा ना, रादर देन बाइंग गोल्ड इन फ्यूचर, मैं गोल्ड को खरीद के घर पर रख दूंगा, बट बैंक में पैसे नहीं डालूंगा. सो बैंक हैज टू गिव मोर देन द इन्फ्लेशन रेट. बैंक को इन्फ्लेशन रेट से तो ज्यादा देना ही पड़ेगा तुमको, वरना तो तुम बैंक में पैसे डालने वाले नहीं हो. सो दैट पोर्शन, जो इन्फ्लेशन वाला पोर्शन हुआ, दैट इज टू रिकवर योर परचेजिंग पावर, टू कीप योर परचेजिंग पावर इंटैक्ट, कि तुम एटलीस्ट उतना तो खरीद सको. अब मैं तुमको दो ऑप्शन देता हूं. अभी चलते अपने पिक्चर देख के आते हैं, या अपने 2 हफ्ते बाद पिक्चर देख के आएंगे? कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? अभी 2 हफ्ते बाद. क्यों? रेट नहीं, रेट से नहीं. आई एम टेकिंग यू आउट फॉर अ मूवी. आई विल टेक, आई विल पे बाबा.
आई टेक यू पीपल आउट फॉर अ मूवी टुडे और आफ्टर टू वीक्स, विच वन वुड यू प्रेफर टुडे? वाई? देर इज ऑलवेज अ वैल्यू ऑन करंट कंजम्पशन. मैं आज मस्ती कर सकता था, आज करूंगा ना, दो हफ्ते डेफर क्यों करूंगा? माँ बाप क्या लॉजिक देते हैं? दो हफ्ते बाद जाओगे तो पॉपकॉर्न और नाचोस भी मिलेगा. सो नाउ वुड यू डेफर द टू वीक्स के लिए मूवी? येस प्रॉब्ली. वॉट इज द आइडिया? यू आर गोइंग टू डेफर योर करंट. ऑप्शन क्या है? या तो आज बर्गर खाओ 100 रुपए में, बैंक सपोज 5% दे रहे हैं, या तो 100 रुपए में आज बर्गर खाओ या फिर 105 रुपए में वापस वही एक बर्गर एक साल बाद खाओ. विच वन विल यू चूज? आज. देर इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी फॉर करंट कंजम्पशन. मैं क्यों फ्यूचर में कंज्यूम करने के लिए रेडी होऊंगा? बिकॉज द एक्स्ट्रा दैट आई गेट. सो बैंक हैज टू गिव मी रियल रेट ऑफ रिटर्न, तभी मैं अपना करंट कंजम्पशन को पोस्टपोन करूंगा फ्यूचर में. मतलब बैंक का जो नॉमिनल रेट होगा दैट हैज टू बी इन्फ्लेशन प्लस समथिंग. दैट रियल, दैट इन्फ्लेशन इज व्हाट? इट इज अ कॉम्पेंसेशन टू रिकवर, टू कीप माय फॉर लॉस ऑफ परचेसिंग पावर. 100 रुपए का सामान आज के दिन वो नेक्स्ट ईयर 105 का हो जा रहा है. तो टुडे आई एम गेटिंग वन बर्गर फॉर 100, नेक्स्ट ईयर आई गेट फॉर 100 हाउ मच? 100 by 105 burgers, 100 divided by 105 अमाउंट ऑफ बर्गर्स, दैट इज लेसर. इन ऑर्डर टू रिस्टोर दैट परचेसिंग पावर, दैट लॉस ऑफ परचेसिंग पावर जो हुआ, 100 रुपए का परचेसिंग पावर, वो 100 रुपए का परचेसिंग पावर में कितना बर्गर मिला? एक बर्गर की जगह 0.95 बर्गर सपोज. फॉर दैट लॉस ऑफ परचेसिंग पावर द बैंक इज गोइंग टू कॉम्पेंसेट मी. सो दिस पार्ट ऑफ द रिटर्न इज फॉर अ लॉस ऑफ परचेसिंग पावर का कॉम्पेंसेशन, एंड दिस पार्ट का रिटर्न इज अ कॉम्पेंसेशन फॉर डेफर्ड कंजम्पशन. आज कंज्यूम नहीं करके मैं उसी चीज को डेफर कर दे रहा हूं कि भैया मैं आज नहीं कंज्यूम करूंगा, फ्यूचर में करूंगा, प्लीज मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा देना. दैट इज डेफर्ड कंजम्पशन के लिए. एक और चीज पूछता हूं, बैंक तुमको 10% रिटर्न देता है, मैं तुमको बोलता हूं कि तुम मेरा कंपनी में पैसा लगाओ. बैंक इज लाइक, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट आरबीआई एसबीआई, गवर्नमेंट का रिलेटेड है बैंक, मतलब एकदम बिंदास रिस्क विस्क कुछ नहीं होगा, होगा भी तो आरबीआई छाप के पैसा देगा मेरे को, ठीक है. अभी मैं बोलता हूं, लेट्स से ओके, आई एम कमिंग अप विद रियली बैड एग्जांपल, आई विल नॉट डू दैट राइट नाउ, दो चार क्लास होने दो, उसके बाद आई कम अप विद दोस बैड एग्जांपल्स, रियली लेम मूवीज. गोविंदा का एक मूवी था, देखा है? भाई भाई बैंग था, कादर खान, गोविंदा, सम रैंडम मूवी देयर वाज, नाम नहीं पता, पीपल डोंट नो, ठीक है. आई विल कम अप विद बहुत सारा मूवी का लेम एग्जांपल्स. एनीवेज, सो देयर इज एन एक्स वाई जेड, बहुत ही घटिया, विजय माल्या का बैंक है. सो विजय माल्या बैंक, वो तुमको अगर 10% देगा, वेयर विल यू इन्वेस्ट? आरबीआई में. वो बोलता है कि 12% 14% दूंगा, प्रॉबली हिम. ओके, लेट्स लीव दिस गाय अपार्ट. लेट्स से टाटा का बैंक है, उसमें अगर तुमको 12% देगा, यू माइट गो टू दिस गाय. बट इफ टाटा इज गिविंग यू 10%, देन वेयर विल यू गो? आरबीआई, क्योंकि वो गारंटीड है तुम्हारा. ओके, इफ आई टेल यू टाटा का इक्विटी है, दैट इज गोइंग टू गिव यू 18% रिटर्न, You might choose this. But if I tell you Tata ka equity is going to give you 10% return, which one will you choose? The idea is ki tumhara agar risk nahi hai, zyada risk dunga to tumko zyada return chahiye. If I induce you to take more risk, jab tak zyada return nahi milega tab tak tum us alternative ke bare mein sochoge bhi nahi. Matlab ha theek hai, 12% hai, 10% hai, sochna padega. But agar 10 aur 10 hai to guaranteed RBI. So basically if you have to invest in a security which has certain amount of risk, जिसमें थोड़ा सा रिस्क है, तो तुमको ज्यादा रिटर्न देना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा. दैट इज व्हाट वी नीड टू डू. सो दैट इज योर इंटरेस्ट रेट विल हैव 3 कॉम्पोनेंट्स. वन इज योर रियल रेट, वन इज योर इन्फ्लेशन प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम. रियल रेट इज, ये कॉपी करिएगा, thank you.
मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, अभी काफी इंप्रूव हो गया है, तो कुछ नहीं समझ में आएगा तो बता देना। स्कूल में इतना सुनना नहीं पड़ता जितना ऑफिस से बोलना पड़ता है। हैंडराइटिंग ठीक करिए भैया, बाहर का स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। द क्लास आर रिकॉर्डेड राइट, सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो अभी हैंडराइटिंग पे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट करेक्ट मी, ठीक है? अंडरस्टूड, हो गया कॉपी पूरा? सो बेसिकली आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो बेसिकली अब इसको इंटरेस्ट रेट नहीं बोलेंगे, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंट रेट, ये सब कुछ बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? विल सी। रियल रेट इज योर परचेसिंग पावर का लॉस को रिकवर करने के, इंक्रीज इन परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर को रिस्टोर करने का काम ये है, इंक्रीज करने का काम इसका है। 100 रुपए का 105 करके ही इज रिस्टोरिंग योर परचेसिंग पावर, कि उतना परचेस कर पाओ, जो एक्स्ट्रा परचेज कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ एडिशनल परचेसिंग पावर, दैट्स योर रियल रिटर्न, दैट इज द कॉम्पेंसेशन। बिकॉज इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग टुडे, आप एक साल बाद कंज्यूम कर रहे हो डेफर्ड कंजम्पशन, दिस इज अ कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ परचेसिंग पावर, कि 100 रुपए में जो सामान आ रहा था आज वो 100 रुपए में नहीं आ रहा है, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा 5 रुपया दिया है। और अगर आप बैंक की जगह किसी और जगह पैसा लगाओगे तो देर इज अ रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क तीन तरीके से क्लासिफाई किया है, ऑल्दो देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क मतलब सामने वाला डिफॉल्ट किया, मैंने आपको 100 रुपया का लोन दिया, आपने मेरे को मेरा लोन का अमाउंट चुकाया नहीं, दैट इज योर डिफॉल्ट रिस्क, वेदर पर्सन इज डिफॉल्टिंग ऑन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और बोथ। सामने वाला आपका पैसा नहीं चुका रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है अपने पेमेंट पर, दैट इज योर डिफॉल्ट रिस्क। क्लियर? लिक्विडिटी रिस्क मतलब क्या? लिक्विडिटी, लेट्स अंडरस्टैंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिक्विडिटी? इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश इज रॉन्ग, इनकम्प्लीट, इसलिए रॉन्ग। एक एग्जाम्पल देता हूं, एकदम सिंपल, ये सब कोई सेम मिस्टेक करते हैं। आज मेरे पास 500 रुपए का एक शेयर है, मैं स्टॉक मार्केट में जाके उसको कभी भी बेच सकता हूं, इट इज इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, देयरफॉर इट इज लिक्विड, मानते हो? रियल एस्टेट, 50 लाख का घर है, उसको आज मार्केट में जाके बेचूंगा तो तुरंत नहीं बिकेगा, इसलिए वो इलिक्विड है, वो इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। सपोज मैं बोलता हूं 50 लाख का घर को मैं सेल पे लगाता हूं 42 लाख रुपीज में, बिकेगा? तुरंत बिकेगा। आज अगर तुमको पता है कि 50 लाख का वैल्यू है उस घर का, तुमको 42 लाख में मिले बिकॉज कोई बंदे का मतलब यू नो मुसीबत है, समान नीड्स मनी, समान हैज गॉट लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, सो वो 50 लाख का चीज 42 लाख में बिक रहा है, तुमको पता है कि तुम 42 लाख में खरीद के उसको 2-4-6 महीना में बेच सकते हो, 8 लाख रुपया का कमाई हो सकता है 42 पे, 8 on 42 इज 16.67% का रिटर्न। हु विल नॉट, 10% ब्याज लेके भी करोगे, 12-14% ब्याज लेके करोगे, कोई ना कोई तुमको अगर दिखेगा तो तुम खड़ो, कोई ना कोई तो खड़ा होकर खरीद लेगा ना उसको तुरंत 8 लाख रुपया कमाने के लिए, 2-3 महीना में 16% पर एनम कन्वर्ट करो ना, 16 into 4 64% का रिटर्न आ जाएगा, समझ रहे हो? सो इसका मतलब रियल एस्टेट इज ऑल्सो रेडिली इजिली कन्वर्टेबल इन टू कैश, अगर सस्ते में बेचोगे तो।
A security is liquid if it is easily convertible into cash at its fair price. 50 लाख का घर को तुरंत 50 लाख में बेचना मुश्किल है, 42 लाख में बेचना बहुत इजी है. इट कैन बी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश. सस्ते में निकाल के देखो. सो लिक्विडिटी इज वेयर अ सिक्योरिटी इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश एट इट्स फेयर प्राइस. स्टॉक का मार्केट में जो फेयर प्राइस है उस पर इजीली कन्वर्टेबल है, इसलिए वो लिक्विड है. शेयर को 5 रुपए का शेयर हो तो 5 में इजीली बिक जाएगा, तुमको थोड़ी कोई 480 पे निकालना पड़ेगा उसको. स्टॉक मार्केट में तो जो भी शेयर प्राइस है कैन इजीली सेल इट एट दैट लेवल. सो द इजीली कन्वर्टेबल पार्ट कम्स इन फ्रॉम वेयर? इजिली कन्वर्टेबल एट इट्स फेयर प्राइस, वो लिक्विडिटी हुआ. तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि आपने जिसमें इन्वेस्ट किया है उसमें एक रिस्क है कि उसको मैं बेच नहीं पाऊंगा जरूरत के समय एट इट्स फेयर वैल्यू. उस रिस्क के लिए यू विल आस्क फॉर एडिशनल रिटर्न. सो मतलब रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करोगे तो लिक्विडिटी रिस्क इज हाई. सो यू विल आस्क कि नहीं मेरे को रियल एस्टेट में और ज्यादा रिटर्न चाहिए, तब मैं जाकर इन्वेस्ट करूंगा वरना नहीं करूंगा. मच्योरिटी रिस्क यू विल प्रोबेबली नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ, बट स्टिल आई जस्ट ट्राई. बाकी फिक्स इनकम यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वी डू फिक्स इनकम इन डिटेल, बट स्टिल लेट्स ट्राई. तुम लोग अगर 2 साल के लिए अगर पैसा लगाते हो, एफडी कर रहे हो, फिक्स डिपॉजिट, डोंट टेक बॉन्ड एंड ऑल, फिक्स डिपॉजिट, और अगर 20 साल के लिए एफडी कर रहे हो, दोनों का एफडी का रेट सेम होता है क्या? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, सबका अलग अलग होता है एफडी रेट. आज 2 साल का एफडी कराओ, 4 साल का कराओ, 6 साल का कराओ, 10 साल का कराओ, सबका एफडी रेट अलग होता है. करेक्ट? अच्छा, तुम्हारे हिसाब से कौन सा एफडी रेट हायर होना चाहिए, कौन सा लोअर? 20 ईयर्स हायर होना चाहिए. क्यों हायर होना चाहिए? हाँ, टाइम स्पैन लॉ है तो वाई, मतलब माय मनी इज गेटिंग लॉक्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड. यस, आगे नहीं, वो नहीं, डिफॉल्ट रिस्क में आ जाएगा. वो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट विल टेक केयर ऑफ इन डिफॉल्ट रिस्क. बेसिकली तुम रिस्क फ्री में ऐड करोगे, वी लर्न हाउ टू डू ऑल दैट. बट हाँ ठीक है, रिस्क को अपने डिवाइड करें 3 पार्ट में, तो डिफॉल्ट वाला चीज को उसमें डाल देंगे. अभी मच्योरिटी रिस्क क्या हुआ? हाँ, सो योर टाइम स्पैन इज लॉन्ग, मनी इज लॉक फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, अंडरस्टूड. उससे क्या प्रॉब्लम है? आज का पैसा 20 साल के बाद सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट होगा. अरे वो तो यार 2 साल में भी डिफरेंट होगा, 2 साल के बाद तू 18 साल के लिए पैसे लगा दियो. द पॉइंट इज, आई इन्वेस्ट, सपोज दिस इज एट 4%, दिस इज एट 6%. दो लॉजिक दूंगा, ठीक है? आज मेरा पैसा 6% के लिए ब्लॉक्ड है, मैंने आज पैसा लगाया, 20 साल के बाद पैसा मिलेगा? अभी अगर 2 साल के बाद में रेट 6 का 7-8% हो गया, मेरा तो घाटा हो गया ना. मैंने तो 6% पे पैसे को 18 साल और लॉक करके रखा है. यहां पे होता तो मैं हायर रेट पे इन्वेस्ट कर सकता था. माय मनी इज ब्लॉक्ड फॉर अ स्मॉलर टाइम. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा, आई कैन ऑलवेज एडजस्ट एंड री इन्वेस्ट एट अ हायर रेट. बट यहां पे तो 20 साल के लिए 6% पे पैसा ब्लॉक करके बैठ गया मैं. तो अगर यहां पे तो थोड़ा सा भी रेट चेंज होगा, यहां पे तो ठीक है 2 साल बाद अपने निकाल के फिर वापस री इन्वेस्ट कर लेंगे हायर रेट पे, लेकिन यहां पे तो तुम 20 साल के लिए अटक गए. That is one explanation. So maturity risk. This is a little logical explanation. Mathematically भी देखोगे तो समझ में आएगा. 2 साल बाद अगर FD मिल रहा है, 100 रुपए का FD है, 2 साल बाद अगर 100 रुपए है, उसका आज का कीमत क्या? 100 डिवाइड बाय 1 प्लस R स्क्वायर. वही अगर 20 साल के लिए 100 रुपए ब्लॉक किया है, उसका आज का कीमत क्या होगा? अगर यहां पे रेट को 1% बढ़ाऊंगा तो इंपैक्ट इज व्हाट? पार्ट टू. यहां पे अगर रेट को 1% ऊपर नीचे करूंगा तो व्हाट इज द इंपैक्ट? पार्ट 20. और जनरली तुम लोग अगर डिबेंचर में इन्वेस्ट करोगे, सपोज डिबेंचर समझते हो सबको, फिक्स इनकम सिक्योरिटी, इंटरेस्ट 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 रेगुलर नहीं मिलता, लास्ट में जाकर अपना लोन अमाउंट भी मिलता है. सपोज 8% का डिबेंचर है, यू विल गेट 8 एंड देन यू विल गेट 108. यहां पे क्या होगा? 8 मिलेगा 20 साल तक और लास्ट में 108. सबसे बड़ा अमाउंट लास्ट वाला होता है क्योंकि प्रिंसिपल वापस मिलता है लास्ट में, एंड उसी के ऊपर तुम सबसे बड़ा इंपैक्ट देख रहे हो. सो हायर द मैच्योरिटी, हायर द रिस्क. बिकॉज ऑफ दैट मैच्योरिटी, बिकॉज योर मनी इज ब्लॉक फॉर लॉन्गर टाइम, एंड तुम्हारा सबसे बड़ा कैश तो लास्ट में होगा ना, प्रिंसिपल लास्ट वाला में आता है, उसी को तुम 20 बार कंपाउंड कर रहे हो और यहां पर तुम 2 बार डिस्काउंट कर रहे हो. 20 बार डिस्काउंट, 2 बार डिस्काउंट. ऑब्वियसली 20 टाइम्स पार का इफेक्ट देखो ना. 1 रुपी बिकम्स 1.1, मतलब 1.10 से 1.1 हुआ. इंपैक्ट क्या था? 1.1 स्क्वायर से डिवाइड किया, अभी 1.1 स्क्वायर से डिवाइड किया, सॉरी 1.11 स्क्वायर से डिवाइड किया. 10% का 11% हुआ. पहले तुम 1.1 स्क्वायर से डिवाइड कर रहे थे, 1.11 स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो. यहां पे तुम 1.1 टू द पार्ट 20 से डिवाइड कर रहे थे, अभी तुम 1.11 टू द पार्ट 20 से डिवाइड कर रहे हो. किसमें इंपैक्ट ज्यादा आएगा 1% रेट चेंज का? इसमें 20 बार डिस्काउंट हो रहा है एक्स्ट्रा 1% करके. सो मच्योरिटी रिस्क, दैट इज मच्योरिटी रिस्क. बोलो क्लियर टिल हियर? टेक 2 5 मिनट्स का ब्रेक, उसके बाद वी विल कंटिन्यू.
ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. इसमें रेट्स वगैरह आपने देख रहे थे, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इंटरेस्ट रेट को डिस्काउंटिंग रेट भी बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं. सो लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड दैट बिट. सपोज आप बैंक में पैसे डालते हो तो आपका 1 रुपी टाइम 0, 1, 2, 3 दिस अ टाइम लाइन. आप 100 रुपए आज डालते हो, 3 साल बाद 100 into लेट्स से 1.07 टू द पावर 3 हो जाएगा. ठीक है, वो तो आपका नॉर्मल बैंक हो गया. अभी आपने क्या बोला कि अगर मेरे को शेयर में लगाना है तो आपको 12-13-14% रिटर्न जब तक नहीं दूंगा आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करोगे. वी डिड अ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. ये जो ग्राफ है इसको रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ बोलते हैं. ये बना के दिया था आपको अभी. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ मतलब क्या हुआ, इफ आई टेक हायर रिस्क यू विल हैव टू गिव मी हायर रिटर्न, अदरवाइज आई विल नॉट टेक हायर रिस्क. ये अच्छा ऑब्वियसली अजम्पशन है कि नॉर्मल इन्वेस्टर है, बिकॉज कई इन्वेस्टर्स होते हैं कैसीनो में. क्या है, जितना ज्यादा रिस्की गेम होता है उतना ज्यादा आपको मजा आता है. जनरली वी टॉक अबाउट अ रैशनल इन्वेस्टर, मतलब थोड़ा सेन, राइट. वो इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क तभी लेगा अगर उसको ज्यादा रिटर्न का स्कोप दिखेगा, ज्यादा रिटर्न का पॉसिबिलिटी होगा, राइट. सो अपने क्या बोल रहे थे कि अच्छा ठीक है आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओगे तो आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए बिकॉज वो ज्यादा रिस्की होता है. ठीक है, ओके. तो ये 100 का 101.07 इसको लेट्स से एक बार जस्ट 10% लेता हूं. सो 1.10 विल बिकम 121 1331 14641 146.41. याद है ट्राइंगल. पास्कल ट्राइंगल ना कुछ बोलते ना इसको, नहीं किया 9-10 में सब. हाँ वो तो ठीक है, वो ए प्लस बी होल स्क्वायर वो वैदिक मैथ्स एंड ऑल हो गया. एनीवेज ठीक है, आइडिया इज 100 बिकम्स 146.41 एट द एंड ऑफ 3 इयर्स. अगर बैंक में पैसे डालोगे, बैंक में 1 रुपया अगर 3 साल बाद मिल रहा है उसके लिए आज कितना इन्वेस्ट करने को रेडी हो गए, 1/1.4641 विच इज इक्वल टू समथिंग दैट इज लेट्स से 0.683. मतलब आज 0.68 रुपीज डालोगे बैंक में तो वो एक 3 साल बाद 1 रुपया देगा. अगर इक्विटी शेयर बोलता है कि मैं आपको 1 रुपया दूंगा 3 साल बाद, आप उसके लिए कितना डालोगे, 0.68 की 0.68 से ज्यादा की 0.68 से कम थी, 0.68 से कम थी, लेट्स से 0.50. वाई हायर रिस्क. यहां पे क्या किए हो, 1 रुपया को 1.10 टू द पावर 3 से डिस्काउंट किए हो. यहां पर 1 रुपी को यू हैव डिस्काउंटेड बाय लेट्स से 1.12 क्यूब हायर रेट से. इंटरेस्ट रेट बैंक के लिए था, अभी यही रेट को डिस्काउंटिंग रेट बोल सकते हैं. सो इंटरेस्ट रेट वॉज फॉर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो जो बैंक का था. बैंक का कैश फ्लो को बैंक का रेट से डिस्काउंट करेंगे, इक्विटी कैश फ्लो को इक्विटी का रेट से डिस्काउंट करेंगे. अगर डॉलर का कैश फ्लो है तो डॉलर का इंटरेस्ट रेट से डिस्काउंट होगा. रूपी का कैश फ्लो है तो रूपी का डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट होगा, रूपी का इंटरेस्ट रेट से. मैक्सिकन पेसो का कैश फ्लो है तो मैक्सिकन पेसो का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में उससे डिस्काउंट होगा. क्लियर, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंट रेट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंट रेट. वाई इज इट ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यहां पर अगर मैं बिजनेस करता हूं, सपोज आई एम डूइंग सम बिजनेस, सम ट्रेडिंग बिजनेस ओवर हियर इन दिस ऑफिस. इन दिस ऑफिस आई एम लेट्स से मेरा सेल्स आता है 1 lakh rupees एंड मेरा कॉस्ट आता है लेट्स से 60K. हाउ मच एम आई अर्निंग, 40K. ये अकाउंटिंग प्रॉफिट हुआ तुम्हारा. यही रूम को अगर मैं भाड़ा पे दे देता तो 70,000 रुपए महीना का भाड़ा आता. सपोज 70K वुड हैव बीन द रेंट. मैं मेहनत करके 40,000 कमा रहा हूं. अगर मेहनत नहीं करके बिजनेस नहीं करता तो 70,000 रुपया रेंट में कमा लेता खाली, विच इज बेटर, राइट. 70,000 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस प्लेस फॉर माई बिजनेस. इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते हो तो उसको भी जोड़ते हो. ये सब इकोनॉमिक्स में किया है 11-12 में बेसिक में, कि ओनर का जो रिसोर्सेज होता है उसको भी इंक्लूड करोगे. सपोज 70,000 मतलब कम से कम 70 आई शुड बी अर्निंग, राइट. अच्छा सपोज आई एम अर्निंग 70K, व्हाटएवर 1.3. अभी बोलोगे अगर मैं कहीं और जॉब कर रहा होता तो मेरे को महीना का 10,000 रुपया मिलता. यहां पे बिजनेस करके इतना मेहनत करके भी जितना रेंट है उतना मिल रहा है.
अगर जगह को रेंट पे दे दूंगा तो 70 मिलेगा, मैं कहीं और जॉब करूंगा 10,000 मिलेगा, आई बी अर्निंग 80, यहां पे आई एम अर्निंग ओनली 70. सो व्हेन यू कैलकुलेट इकोनॉमिक प्रॉफिट यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दोज थिंग्स, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये इकोनॉमिक्स में करेंगे अपने वैसे. सिमिलरली पैसा है तो उसका भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज देयर ना. मैं आज 500 रुपए अपना बिजनेस में लगाता हूं, अगर उसी चीज को स्टॉक मार्केट में लगाता या बैंक में लगाता तो दैट वुड हैव गिवन मी अ रेट ऑफ इंटरेस्ट. दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट आई एम इन्वेस्टिंग. मैं बिजनेस में अगर अपना 1,00,000 रुपया डाल रहा हूं, सपोज दिस इज द केस एंड आई एम गेटिंग, कितना मेरा 10,000 रुपया सैलरी था ना, 80,000, आई एम अर्निंग 80,000 फ्रॉम बिजनेस, मेरा इन्वेस्टमेंट इज 1,00,000. अगर मैं 1,00,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करता तो आई वुड हैव अर्न 10,000 अपना, 70,000 रुपया रेंट का 80 एंड 1,00,000 रुपए पे सपोज 7% 7,000, आई वुड हैव अर्न 87,000. सो हिसाब से आई शुड बी अर्निंग एटलीस्ट 87 फ्रॉम दिस बिजनेस. 7,000 इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सपोज आई इन्वेस्ट 100 रुपीज टूडे, दैट इज, सो इफ आई एम इन्वेस्टिंग टाइम 0, 1, 2, 3 इन्वेस्ट कर रहे हो, 100 आया कि गया? गया. सो आइदर अ माइनस साइन और यू पुट 100 इन ब्रैकेट्स टू शो दैट इट्स अ कैश आउटफ्लो. कैश फ्लो है, कैश कैन मूव आइदर आउटसाइड और इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. सो देयर इज अ कैश इनफ्लो और अ कैश आउटफ्लो. ये जो 100 है ये कैश आउटफ्लो है. इसके बदले में आपको बोलता है कि यू विल गेट अ 50, यू विल गेट अ 150, यू विल गेट अ 200 ओवर हियर. सपोज देर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कि आज ये 100 रुपया इतना ही रिस्की, ऑब्वियसली दिस रिस्की, सेम रिस्क का अगर मैं अगर स्टॉक मार्केट में लगा देता तो 14% रिटर्न आता. तो आप क्या करोगे, इसको 14% से ये तीनों कैश फ्लो को डिस्काउंट करोगे कि एक साल बाद का 50 आज का कितना, 50/1.14, दो साल बाद का 150 आज का कितना, 150/1.14 स्क्वायर, तीन साल बाद का 200 रुपया आज का कितना, 200 रुपया डिवाइड बाय 1.14 क्यूब. That 14% is the opportunity cost of capital, because had I invested it somewhere else, I would have been getting 14%. It is also the discount rate. Interest rate bologe, that will be for the bank ke case mein. So don't get confused, there will be a lot of terms which will be very similar. Interest rate, discount rate, opportunity cost of capital, discounting factor, ek hi baat hai. Matlab, lekin phir bhi minutely thoda bahut difference reh sakta hai. So we need to understand those. Bolo, samajh mein aaya? ठीक है. उसके बाद ये एकदम छोटा सा थियोरेटिकल पोर्शन था. देन एडिटिव मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल बहुत ही सिंपल सा चीज है. जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि आपका 8% इज योर नॉमिनल रेट, विच इज 5% इज योर इन्फ्लेशन रेट. Then you say 3% is your, यही चीज additive model हो गया और वही चीज अगर आप बोलते हो ये copy करना होगा आपको. यही चीज मल्टीप्लिकेटिव हो गया. ऑब्वियसली दिस इज बेटर, मोर एक्यूरेट एंड व्हाट वी विल यूज ऑल द टाइम. मल्टीप्लिकेटिव डेफिनेटली, बिकॉज कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेना है अपने को. ठीक है, ये तो सिंपल है, यू अंडरस्टैंड दिस.
समझ लेना पूरा, उसके बाद टाइम दूंगा कॉपी कर लेना, बिकॉज यू विल नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स मेड. एक कॉन्सेप्ट समझो, इक्विटी वैल्यूएशन हो, फिक्स्ड इनकम वैल्यूएशन हो, कुछ भी हो, सेम चीज वर्क करता है. आज अगर सपोज 100 रुपए डाल रहे हो, रेट 10% है, तो 3 साल बाद इट इज वर्थ 1446.41. अगर कोई बोलता है कि मैं तुमको 3 साल बाद 100 रुपए दूंगा, दैट इज वर्थ 1/1.4641 × 100. कोई भी चीज का वैल्यू आज के दिन इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. एनीथिंग, इक्विटी वैल्यूएशन हो, बॉन्ड का वैल्यूएशन हो, इक्विटी शेयर खरीदा तुम आज, शेयर खरीदोगे तो क्या मिलेगा? डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड मिलेगा फ्यूचर में. वो सारा डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू अगर लोगे, ऑब्वियसली इक्विटी है तो इक्विटी का रेट के हिसाब से टानोगे, बैंक होगा तो बैंक के रेट के हिसाब से टानोगे. तो जो भी कैश फ्लो है उसका, जैसा भी रिस्क इन्वॉल्व है, उसके रेट के हिसाब से आप उसका रेट, उसका कैश फ्लो को यू आर डिस्काउंटिंग, यू आर ब्रिंगिंग इट ओवर हियर टुडे टू द प्रेजेंट वैल्यू. तो कोई भी चीज का वैल्यू इज वॉट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. सिंपल. फिक्स इनकम है, डिवेंचर में पैसे डाल रहे हो, डिवेंचर क्या दे रहे हैं? 8, 8, 8, 8, 8, लास्ट में 108 या 80, 80, 80, 1080 इफ इट्स अ 1000 फेस वैल्यू. अपने डिवेंचर 100 पे करने का आदत है, यहां पे 1000 हो जाएगा डॉलर के टर्म्स में. ठीक है, तो कोई भी चीज का वैल्यू इज वॉट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. किसी भी चीज का वैल्यूएशन करोगे, अल्टीमेटली इट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. सो पीवी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो समझो, फिक्स्ड इनकम, इक्विटी, कोई भी सब्जेक्ट अपने उठाएंगे, वहां पे पीवी ऑफ कैश फ्लोज विल बी द वैल्यूएशन वाला पार्ट. यू आर फॉलोइंग? पीवी ऑफ कैश फ्लोज विल बी वैल्यूएशन. तो लेवल 1, 2 सब में ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितना बेसिक चीज है और कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? हर जगह काम आएगा. ठीक है, तो एवरीथिंग इट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्यूचर वैल्यू का ना इतना काम नहीं पड़ता, जनरली अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालने का ही काम पड़ता है. ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू कुड बी अ सिंगल कैश फ्लो. से फॉर एग्जाम्पल, देर कुड बी अ कैश फ्लो, लेट्स से टाइम इक्वल टू 0, टाइम इक्वल टू 4, देर इज 100 एंड योर रिस्क फ्री रेट इज इक्वल टू 8% इन ऑल द केसेस वील टेक. आरएफ 8% है, आज 0 है, फ्यूचर में 4 है, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? 100 डिवाइड बाय 1.08 टू द पावर 4. और पीवी इज इक्वल टू एफवी डिवाइड बाय 1+r टू द पावर n. अब वो तुमको एमएम वाला लफड़ा करना है, तुम कर लेना अगर क्वार्टरली सेमी एनुअली वो सब बकवास दिया है तो, वो सब देख लेंगे अपने बाद में. बाकी मोर ऑर लेस योर सिंगल कैश फ्लो इज लाइक दिस. जो भी सिंगल कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू एट दिस टाइम. Now we have equal cash flows at regular intervals. Cash flow at the end, cash flow at the beginning. Just understand, your cash flow stream could be like this. Or तुम लोग जनरली जब इंटरेस्ट वगैरह पे करता है, सपोज इंटरेस्ट पे करना है बैंक को, तो ऑब्वियसली साल के एंड में पे करते हो, जनरली वही होता है. तो दैट इज योर कैश फ्लो. दिस इज एन ऑर्डिनरी एन्युइटी. एन्युइटी पढ़े हो थोड़ा बहुत आप लोग, कुछ लोग पढ़े हैं, इसको ऑर्डिनरी एन्युइटी बोलते हैं. ऑर्डिनरी एन्युइटी, दिस इज नोन एज एन्युइटी ड्यू. एन्युइटी का मतलब होता है रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी पेड एट रेगुलर इंटरवल्स. अमाउंट रेगुलर है, अमाउंट चेंज हो रहा है, 100, 100, 100 नहीं चेंज हो रहा. इंटरवल्स चेंज हो रहा है कि अभी 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, फिर 4 साल बाद, नहीं. 1 year, 2 year, 3 year, एवरी कैश फ्लो इज आफ्टर 1 year टाइम पीरियड. रेगुलर अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल, दिस इज वॉट रेगुलर अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल. वॉट इज द डिफरेंस? यहां पे कैश फ्लोज अक्रू एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड यहां पे कैश फ्लोज अक्रू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड.
ठीक है, कैश फ्लोज अक्रूइंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, कैश फ्लोज अक्रूइंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, बिगनिंग ऑफ द पीरियड. नॉर्मली क्या होता है, एंड ऑफ द पीरियड, इसीलिए इसको ऑर्डिनरी एन्युइटी बोलते हैं. यहां पे इसको एन्युइटी ड्यू बोलते हैं बिकॉज योर कैश फ्लोज अक्रू एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. नॉर्मल. अच्छा, अब इसका वैल्यूएशन, इसका प्रेजेंट वैल्यू, आज का वैल्यू क्या है, 100 का पीवी, 100 का पीवी, 100 का पीवी, 100 का पीवी, 100 डिवाइड बाय 1.08 प्लस 100 डिवाइड बाय 1.08 स्क्वायर प्लस 100 डिवाइड बाय 1.08 क्यूब प्लस 100 डिवाइड बाय 1.08 टू द पावर 4. यू कैन ट्रीट इट एज वन कैश फ्लो एट टाइम वन, ये कैश फ्लो एट टाइम टू, इसको चार अलग अलग कैश फ्लो की तरह ट्रीट करो और चारों का प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग निकालो, उसको जोड़ दोगे तो वैल्यू ऑफ ऑल दीज कैश फ्लोज टुडे आ जाएगा. इसी चीज का तुम लोग एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला किया था, दैट वाज 100 डिवाइडेड बाय 0.08 इनटू 1 माइनस 1 अपॉन 1.08 टू द पावर 4, दैट वाज ए बाय आर इनटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर एन. फॉर दोज ऑफ यू हु रिमेंबर क्लास 11 12 में ये फॉर्मूला एन्युइटी में किया था तुम लोग. फ्यूचर वैल्यू होता था तो यही चीज 1 प्लस आर है, 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1 होता था खाली ब्रैकेट में. इसी चीज को 1 प्लस आर टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करो, इसको वही हो जाएगा. फ्यूचर वैल्यू इज नथिंग बट पीवी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन. सारा कैश फ्लो को इधर लेके आया, फिर सब चीज को इधर लेके गया, या फिर डायरेक्टली इन सबको इधर लेके गया, बात तो एक ही पड़ेगा. तुम इस कैश फ्लो को यहां ले जाके यहां लेके जाओ या डायरेक्टली यहां लेके जाओ, बात तो एक ही है. सो ये पीवी क्या किया, ये सब कैश फ्लो को यहां ले आया, मैं पूरा टोटल वैल्यू को यहां लेके जाऊंगा. सो दैट इज 1 प्लस आर टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करना, दैट विल टेक ऑल दीज कैश फ्लोज टू द एंड. एनीवेज तुम लोग को ये फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, तुम लोग का कैलकुलेटर ये सारा काम करके रखा है, तुम्हारा कैलकुलेटर ये सारा काम करके रखा है, तुमको खाली वैल्यू डालने का है, आंसर निकालने का है, दैट्स इट. ठीक है, सो वील डू दिस बिट. ये फॉर्मूला खाली इसलिए लिखा टू मेक यू रिकनसाइल विथ व्हाट यू हैव डन इन 11 एंड 12, राइट. वो खाली बताने के लिए कि 11 12 में यही फॉर्मूला से यही काम किए हो तुम लोग, उसी काम को अपने कैलकुलेटर से कर लेंगे, उसी काम को अपने कैलकुलेटर से कर लेंगे, अपने को इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है. बट इसका फॉर्मूला, इसका लॉजिक इज व्हाट, 100 का पीवी, 100 का पीवी, 100 का पीवी, 100 का पीवी. यहां पे भी वही चीज होगा. तुम लोग के हिसाब से एक बात बताओ, आंसर सेम आना चाहिए कि डिफरेंट आना चाहिए? डिफरेंट. क्यों? क्योंकि यहां पे 100 आज का है प्लस 100 बाय 1.08 प्लस 100 बाय 1.08 स्क्वायर प्लस 100 बाय 1.08 क्यूब. आंसर किसका ज्यादा आना चाहिए? राइट वाले का. यहां पे तुमको 400 रुपया एक साल बाद, दो साल, तीन साल, चार साल बाद मिल रहा है. यहां पे ऑल दोज 100 बक्स यू आर गेटिंग अर्ली. टेक्निकली दीज थ्री कैश फ्लोज आर सेम, द ओनली डिफरेंस इज ये 100 रुपया चौथे साल में मिल रहा है और ये 100 रुपया तुमको आज मिल रहा है. इन अ वे इफ यू वांट टू कंपेयर, विच वन वुड यू प्रेफर, दैट वन, दैट वन, राइट. सो जितना जल्दी मेरे को मिले उतना बेटर, बिकॉज जितना जल्दी मिलेगा उतना जल्दी उसको इन्वेस्ट करके उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाऊंगा. That is one way of looking at it. और जितना जल्दी मिलेगा उसका डिस्काउंटिंग उतना कमती टाइम्स होगा, जितना जल्दी होगा उसका डिस्काउंटिंग उतना ही कमती टाइम्स होगा. You don't need the 11 and 12 formula. So over here your present value is equal to 100 by 1.08 plus 100 by 1.08 square plus 100 by 1.08 cube plus 100 by 1.08 to the power 4. वही चीज यहां पर क्या होगा. और अच्छा, 100 बाय 1.08 टू द पावर 0 करो, इट इज इक्वल टू 100 बाय 1. एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, दैट इज 100 इटसेल्फ. आज का 100 रुपया इज आज का 100 रुपया. करेक्ट, यहां तक ठीक है. अच्छा, इन दोनों को अगर कंपेयर करना है, मतलब सपोज आई वांट टू रिकनसाइल दिस फ्रॉम दिस वन, सपोज मेरे को ये पता है ये यूज करना नहीं आता, कैन आई नॉट, मतलब अच्छा इसको छोड़ो एक बार, कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे. कैलकुलेटर पे जो थर्ड रो है आपका कैलकुलेटर का, थर्ड रो है जो कैलकुलेटर का, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फंक्शन दिया हुआ है. कैलकुलेटर यूज करना आपने सीख लेंगे, बट एटलीस्ट थियोरेटिकली अंडरस्टैंड हाउ डू यू डू इट. कैलकुलेटर में 5 बटन है आपका, एन दिया है, आई बाय वाई दिया है, पीएमटी दिया है, पीवी दिया, पहले पीवी, पीएमटी, एफपी, ये 5 बटन दिया है. देयर ऑल टाइम वैल्यू ऑफ मनी. एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स एंड नॉट इयर्स. आई बाय वाई इज द रेट पर पीरियड.
पीवी इज नाम से पता है ये पांच बटन आपका कैलसी में डाला हुआ है। इस केस में आपका पीएमटी इज द एन्युटी इज द अमाउंट रेगुलर अमाउंट पेड एट रेगुलर इंटरवल, उसको पीएमटी पेमेंट बोलते हैं। तो यहां पे आपका पीएमटी क्या होगा बताओ 100। सो यू एंटर पीएमटी एज 100। एन क्या है तुम्हारा 4, आई बाय वाई 8%। Now, why did I mention number of periods and rate per period? अगर ये दो साल का सेमी एनुअल कंपाउंडिंग एट द रेट ऑफ 16% होता, इसका मतलब क्या? चार टाइम होगा आपका कंपाउंडिंग दो साल में, सेमी एनुअल मतलब क्या? हर साल में दो बार, तो दो साल में चार बार, तो देर आर फोर पीरियड एंड 16% पर एनम मतलब फॉर एवरी सिक्स मंथ व्हाट इज योर रेट पर इंटरवल। हर छह महीना में रेट क्या है 8%, तो 8%। सो आई बाय वाई इज द रेट पर इंटरवल एंड एन इज नंबर ऑफ इंटरवल्स, नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, ये तीन डाल दिया। अब फ्यूचर वाली तो कुछ नहीं है, देयर इज नो फ्यूचर वाली, जीरो, कुछ नहीं है, डालने का जरूरत नहीं है। कंप्यूट क्या करने का है, पीवी प्रेजेंट वैल्यू, ये तीन वैल्यू डालेंगे एंड देन कंप्यूट पीवी एंड कैलकुलेटर गिव्स यू द आंसर। यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस नॉनसेंस, नो नॉनसेंस रिक्वायर्ड। यूएस का एग्जाम्स में सबसे बड़ा फायदा है कि जो काम आपका कैलकुलेटर या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर सकता है वो आपको रेडिली हो जाएगा। अपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई एन का रूट ओवर करके नहीं निकालेंगे, जो भी नंबर है वो नंबर डाल दो, एस डी अपने आप निकलेगा। तो डोंकी वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चंस एमसीक्यू थ्री ऑप्शंस नो नेगेटिव मार्क्स, यू हैव टू यूज योर ब्रेन। कैलकुलेटर में ये सब क्या है ये समझना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देगा तो आपको इसका लॉजिक समझना पड़ेगा। स्कूल में शायद इस लेवल पे इतना डिटेल में लॉजिक नहीं समझ में आता है कि वाई 100 रुपीज इज इक्विवेलेंट टू व्हाट टुडे, बिकॉज आप एक्चुअल में उस अमाउंट को बोरो करके इन्वेस्ट करके यू कैन हैव द कैश फ्लो जीरो एंड ऑल। व्हाट एवर वी आर डूइंग ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एकदम थरली। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपना पीएमटी एन आई बाय वाई निकालोगे तो आपका कंप्यूट करोगे तो पीवी आ जाएगा। बोलो यहां तक ठीक है। अच्छा, अभी वही बिगिनिंग ऑफ कैश फ्लो वाला चीज देखेंगे तो कैलकुलेटर को कैसे पता कि भैया तुम्हारा कैश फ्लो तुमको एंडिंग में मिल रहा है कि बिगनिंग में मिल रहा है। कैलकुलेटर को नहीं पता, कैलकुलेटर में देयर इज एन ऑप्शन, आई विल टीच यू हाउ यू कैन सेट द मोड, एंड मोड और बिगनिंग मोड। एंड मोड होगा तो कैलकुलेटर ऐसा ट्रीट करेगा, बीजीएन मोड अगर डालोगे, बिगनिंग मोड डालोगे तो कैलकुलेटर ऐसा ट्रीट करेगा। आप लोग को मोड सिखाऊंगा बिगनिंग का यूज करने का, उसके साथ ये भी सिखाऊंगा कि बिगनिंग मोड कभी यूज नहीं करने का है। क्यों नहीं करने का है? क्योंकि अगर बिगिनिंग मोड यूज करके सम किया, उसके बाद में उस बिगिनिंग मोड को हटाना भूल गया, तो बाकी का 120 क्वेश्चन में जितना बचेगा ना वो सारा बिगिनिंग मोड में पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, विच इज नॉट द नॉर्मल सिनेरियो। मैं कैलकुलेटर को बिगिनिंग मोड पे सेट कर दिया, ये वाला सम कर दिया, अगर बिगिनिंग मोड पे छोड़ दिया कैलकुलेटर और पूरा पेपर वैसे सॉल्व कर दिया, पूरा इक्विटी फिक्स इनकम बिगिनिंग मोड पे हो जाएगा, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। सो आई विल टीच यू हाउ टू यूज द बिगिनिंग मोड, बट आई विल ऑल्सो टेल यू नेवर टू यूज द बिगिनिंग मोड, क्योंकि भूल सकते हो। यही कैश फ्लो को अलग तरीके से भी कर सकते हैं। इस 100 को छोड़ दो, कैन आई नॉट टेक एन इक्वल टू 3 एंड कैलकुलेट पीवी एंड एड 100 अलग से? इजंट इट इजी? कैन आई नॉट कैलकुलेट एन इक्वल टू 3 लेके पूरा का पूरा पीवी एंड एड 100 अलग से? या तो मैं बिगिनिंग मोड पे सम कर सकता हूं या फिर इस तरीके से कर सकता हूं यूजिंग नॉर्मल मोड। आई विल ऑलवेज ट्राई टू यूज नॉर्मल मोड। कैश फ्लो कोई भी चीज का वैल्यू इज पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। उसी चीज का लॉजिक पे घुमा घुमा के सम करने का ट्राई करना बहुत काम आएगा, मतलब ट्राई टू गेट द लॉजिक स्ट्रेट, कैलकुलेटर में फिर गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो यहां का बिगिनिंग मोड के साथ भी कर सकते हैं, वो आपको कराऊंगा, बट यहां पे यू कैन आइदर यूज अ बिगिनिंग मोड और यू कैन डू एन इक्वल टू 3। सो मैं आई डिक्टेट इट, एंडिंग मोड ऑल्टरनेटिव 1, बिगिनिंग मोड, बिगिनिंग मोड में बताऊंगा कैसे करना है, एंडिंग मोड में अपने एन इक्वल टू 3 करके उसको प्लस 100 करेंगे। फ्यूचर वैल्यू अगर करना पड़ा तो बिगनिंग मोड तो मोड सिलेक्ट करके तुम फ्यूचर वैल्यू निकाल दिया। अगर मेरे को फ्यूचर वैल्यू सिलेक्ट करना है, अच्छा इसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, 100 इंटू 1.01.08 कितना पार 3, 1, 2, 3 पार 2, पार 1 एंड फोर्थ ईयर का 100 इज इक्वल टू 100,
फ्यूचर वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे ये 100 को यहाँ लेके जा रहे हैं, टाइमलाइन बनाना, हर एक सम में टाइमलाइन बनाना, गलती नहीं होगा। ये 100 को यहाँ लेके जाएगा, 3 साल लेके गया ना, 1, 2, 3, इसको 1, 2, इसको 1, और ये आज का 100 रुपया, आज का 100 रुपया, तो यहाँ फ्यूचर वैल्यू मिल गया। यहाँ पे जब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट होगा ना, यू हैव टू कैलकुलेट ओवर हियर ओनली। यहाँ का फ्यूचर वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ का फ्यूचर वैल्यू कैसे आएगा, बिगिनिंग मोड करोगे तो वो ये आंसर देगा, बिगिनिंग मोड नहीं यूज किया तो ये मोड से ही आंसर में कैसे जाओगे। यहां का फ्यूचर वैल्यू गेव यू द वैल्यू ऑन द फोर्थ पेमेंट, तो यही आंसर आपको यहां का आंसर देगा ना, यहां पर इनटू 1+R। यहां का फ्यूचर वैल्यू जो भी होगा इनटू 1+R करोगे तो आंसर सेम आएगा ना। कैलकुलेटर को क्या पता तुम जीरो पे चालू करके, तुम एन इक्वल टू 4 करके एफ वी कैलकुलेट करोगे तो वो इसको 1, 2, 3, 4 ट्रीट करेगा ना, वो तो यहां पे फ्यूचर वैल्यू निकाल के देगा तुमको, यहां पे ले जाओ। एंड टेक्निकली ऑल द कैश फ्लोज आर शिफ्टिंग जस्ट एक इधर, सो अगर इसको यहां पे फ्यूचर वैल्यू लेके जाना है तो हर एक कैश फ्लो, दिस इज व्हाट 101.08³² 10, ये क्या था 101.08⁴³³³⁴ एवरी सिंगल कैश फ्लो ऑफ दिस वन इज मल्टीप्लाइड बाय एन एक्स्ट्रा 1.08। तो यहां का फ्यूचर वैल्यू जो कैलकुलेट होगा उसको 1.08 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका फ्यूचर वैल्यू नहीं आ जाएगा। खुद कंपेयर करो 100 × 1.08³² 1 एंड 100, एंड ये क्या है 100 × 1.08 4, यहां पे 3 था, 4 3 3 2 1 0 सॉरी 2 1, यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 100 वाज 100, यहां पे 100 इज 100 × 1.08। हर एक कैश फ्लो को एक एक्स्ट्रा ढकेलना है, तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल तरीके से तो इसका एफवी इंटू 1.08 कर देंगे, पीवी कैलकुलेट करेंगे तो इसको छोड़ दो, तुम नॉर्मल पीवी निकाल लो, ये 100 को जोड़ दो अलग से, बिगिनिंग मोड यूज किए बिना, बिगिनिंग मोड भी यूज करना सीखेंगे अपने। बोलो यहां तक क्लियर, नहीं प्रॉब्लम, श्योर एवरीबडी, दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, ये थोड़ा इरिटेटिंग होता है, कैलकुलेटर के साथ और क्लियरली समझ में आएगा, अपने 2-3 सम करेंगे समझ में आ जाएगा कैलसी के साथ। बोलो यहां तक ओके है, उसके बाद अनइक्वल कैश फ्लोज एट रेगुलर इंटरवल। सपोज तुमको दिया, यू आर गिवन लेट्स से आई इन्वेस्ट 300 ओवर हियर, आई गेट 50 150 200 एंड आई गेट अनदर 1 1, ठीक है, वैल्यू क्या होगा इसका, पीवी निकालोगे हिसाब से होना चाहिए -300 + 50 / 1.08 + 150 / 1.08² + 200 / 1.08³ + 150 / 1.08³ = 4, करेक्ट, यहां तक ठीक है, अपने इतना घटिया काम नहीं करेंगे, कैलकुलेटर दिया है कैलकुलेटर पे करेंगे। कैलकुलेटर पे क्या करना है, कैलकुलेटर में आपका सेकेंड रो, तो थर्ड रो अपने सीखे हैं, मतलब रफली एन आई बाई वाई पीवी पीएमटी एफवी, एन आई बाई वाई पीवी पीएमटी एफवी जो रेगुलर अमाउंट है वो पेमेंट, एफवी जो है वो लास्ट वाला अमाउंट, पीवी इज आज का वैल्यू दे देगा, सो यू कैन एंटर 3-4 थिंग्स एंड यू कैन बैक कैलकुलेट द अदर वन। इसमें से फॉर एग्जाम्पल एफवी 100 है, नंबर ऑफ इयर्स इज 4, आई बाई वाई इज 8, पीएमटी 0 कुछ नहीं है, पीएमटी कुछ नहीं है ना रेगुलर इंटरवल पे, कंप्यूट पीवी इससे भी आएगा, ये फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, यू गेटिंग द आइडिया। सो ऐसा हो सकता है ना कि आपका रेगुलर अमाउंट कुछ नहीं है, खाली एक अमाउंट है, ऐसा भी पॉसिबल है बॉन्ड वाला 8 8 8 8 8 और 108, तब आपका पीएमटी 8 है और पीवी और एफवी 100 है। विल डू बॉन्ड का सम एंड ऑल, विल डू ऑल दिस, बट समझ में आ रहा है, तो ये पांचों में यू कैन एंटर 3-4 वैल्यूज एंड कैलकुलेट द फोर्थ और द फिफ्थ वन बैक कैलकुलेट, कोई भी, मतलब आप पीवी डाल दो कि आज प्राइस ये है, अब तुम बताओ आई बाय वाई क्या है, तो कोई भी 3-4 वैल्यू डालने का, 5-4 वैल्यू निकालने का, यू डोंट हैव टू डू पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्विंग एंड ऑल, बिकॉज यहां पे तो ऑनेस्टली यू हैव अ क्वाड्रेटिक, सपोज आर नहीं दूंगा तो 1+R 1+R² 4, इट्स अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, बैक कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे यार, मतलब झमेला हो जाएगा कैलकुलेट करने में, झमेला होगा, बट कैलकुलेटर तो आई बाय वाई कंप्यूट, कंप्यूट आई बाय वाई, 3-4 वैल्यू डालो कंप्यूट आई बाय वाई, खत्म काम, इट्स दैट कन्वीनियंट। सीएफ के लिए देयर इज अ कैश फ्लो फंक्शन,
फंक्शन में कैसे वर्क करता है ना, इसको C0 के अंदर सेव करूंगा, इसको C1 के अंदर, इसको C2 के अंदर, C0, C1, C2, C3, C4. ऑब्वियसली C0 में डालूंगा तो 300 नहीं डालूंगा, माइनस 300 डालूंगा. C0, C1, C2, C3, C4 कैश फ्लो सेव करके व्हाट विल आई डू, कंप्यूट पीवी और आई बाय आई भी डालूंगा 8%. सो आई विल इनपुट ऑल माई कैश फ्लोज, आई विल इनपुट द रेट एंड आई विल बैक कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, आई विल बैक कैलकुलेट द पीवी ऑफ कैश फ्लोज. तो आप C0, C1, C2, C3, C4 कैलकुलेटर में एंटर किए, आप 8% कैलकुलेटर में एंटर किए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा. व्हाट डिड आई नीड टू डू, आई जस्ट नीडेड टू एंटर. ये पूरा का पूरा इक्वेशन यही चीज आपका आंसर डायरेक्टली देगा. यू डोंट हैव टू डू इतना स्टेप में कैलकुलेशन. दैट इज योर अनइक्वल कैश फ्लोज एट रेगुलर इंटरवल्स. से फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता, इरेग्युलर इंटरवल हो गया, अभी अनइक्वल कैश फ्लोज इंटरवल भी इरेग्युलर हो गया ना, हर एक साल में इंटरवल कैश फ्लो नहीं है, बीच में एक साल छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे बाबा, C2 को जीरो डाल के चल देना, C2 को स्किप कर देना या C2 को जीरो एंटर करके आगे बढ़ जाना, इज द सेम थिंग ना. सो डजंट मैटर, रेगुलर इरेगुलर डज नॉट मैटर. हो ये निकालने का तरीका अपने कैलसी में सीखेंगे. ऑल्सो यू कैन एंटर द कैश फ्लोज, यू कैन टेल देम द प्रेजेंट वैल्यू, यू कैन ऑल्सो बैक कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट. सो एनपीवी वाला पार्ट में करेंगे तो क्लियर होगा ज्यादा. सो वट एवर बी द कैश फ्लोज, तुम बोल दिए कि अच्छा ये कैश फ्लो इज इक्वल टू, सपोज मैं बोला कि नहीं बाबा मेरा 300 रुपए का इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू दिस, मतलब आज का 300 इज इक्वल टू ये सबका प्रेजेंट वैल्यू, टुडे का 300 इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर का कैश फ्लो. अभी बताओ कौन से रेट पे इक्वल है, रेट बैक कैलकुलेट करो फॉर दिस इक्वेशन. दैट इज IRR एक्चुअली, विच विल डू नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास. Got it? तो ये सारा चीज आपका अनइक्वल कैश फ्लो वाला चीज में आ जाएगा. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, यू एंटर योर कैश फ्लोज एंड उसका प्रेजेंट वैल्यू यू कैन कैलकुलेट. C0, C1, C2, C3, C4 में कैश फ्लोज डालो एंड आपका प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली निकाल सकते हैं. ये आपका अनइक्वल कैश फ्लो एट रेगुलर इंटरवल्स हुआ. इरेग्युलर है तो बीच में उसको जीरो डालने का. वी लर्न दिस ऑन द कैलकुलेटर. यहां ये समझ में आया राइट? लास्ट वाला बहुत सिंपल है. परपेचुअटी मतलब टिल इन्फिनिटी यू आर गोइंग टू गेट अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी. इंडिया में वैसे इतना वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता नहीं है, बट देर आर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कि अब आज पैसा लगाओ और आपको पैसा मिलता जाएगा इन फ्यूचर. एकदम बेसिक एग्जाम्पल देता हूं, सपोज वो स्कूल वगैरह में मेडल वेडल नहीं मिलता है, ये बंदे का नाम पे सरकार मेडल, दिस मेडल, दैट मेडल, राष्ट्रपति मेडल एंड ऑल दैट. हाउ डज इट वर्क? आपको 1000 रुपया का एक गिफ्ट मिलेगा. 1000 रुपया में जो भी मेडल आएगा वो आपको मिलेगा. सपोज मैं मर गया, अभी मेरा स्कूल में आई वॉन्ट पीपल टू गेट समथिंग ऑन माई नेम सो दैट माई लेगेसी लिव्स ऑन. वट एवर, आई वॉन्ट 2000 का मेडल स्कूल में मिलने का. अभी स्कूल तो हमेशा चलेगा, मेरे को ये नहीं चाहिए कि 10 साल, आई वॉन्ट इट टू गो ऑन फॉर एवर. सो अगर 2000 रुपया आई वॉन्ट एवरी ईयर स्कूल टू गेट, स्कूल को मेरे को इतना पैसा देना होगा कि हर साल का इंटरेस्ट 2000 आए. So, अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? 20,000. तो 10% 2000 आया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा? योर प्रिंसिपल इज स्टिल 20,000, दे विल स्टिल गेट 2000. प्रिंसिपल इज स्टिल 20,000, दे विल स्टिल गेट 2000. सो परपेचुइटी में व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? दैट इज इक्वल टू व्हाट एवर अमाउंट यू वॉन्ट ऑन रेगुलर इंटरवल्स डिवाइडेड बाई द इंटरेस्ट रेट. यही फॉर्मूला बुक में, अमाउंट इज इक्वल ए इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू ए बाई आई करके दिया है. आई विल नॉट डू दिस. मेरा वो सेम चीज याद करूंगा ना मैं. आई ट्राई टू लर्न विद द सेम नोटेशन. वाई विल आई डू डिफरेंट नोटेशन? प्रेजेंट वैल्यू, वैल्यू टूडे इज नथिंग बट द अमाउंट यू आर रिसीविंग एट रेगुलर इंटरवल टिल इन्फिनिटी का डिवाइड बाई द इंटरेस्ट रेट. देखो यहां पर तुम्हारा 4 कैश फ्लो आके खत्म हो गया, इसीलिए तुम पीवी ऐसे लिया. वहां पर वो कैश फ्लो तुम्हारा इन्फिनिटी तक चल रहा है. वहां पे तुम्हारा कैश फ्लो इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो तुम जितना अमाउंट डिसाइड करोगे. सो बेसिकली अगर मैं इतना अमाउंट डिपॉजिट करूंगा तो हाउ मच विल आई गेट ऑल द टाइम? आई इनटू द अमाउंट डिपॉजिटेड, रेट इनटू जितना डिपॉजिट किया, दैट इज व्हाट यू गेट एवरी ईयर. सो इफ आई वांट 2000 एवरी ईयर, 20,000 में अगर 10% टू 20,000 इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 10% करना. मतलब अगर 20,000 डिपॉजिट करोगे, 10% रेट है, तो 20,000 इनटू 10% 2000 मिलेगा ना एवरी ईयर. फॉर्मूला तो वहीं से ड्राइव हो रहा है. This is the way they've written the formula in the book, or it can be written in this way also. PV is equal to the payment amount, the annuity amount, but this PMT is going to be received until infinity.
दिस पीएमटी इज गोइंग टू बी रिसीव्ड अंटिल इंफिनिटी. बोलो यहां तक ठीक है? टेक दिस होल थिंग डाउन. अच्छा इसमें खाली स्पेस छोड़ना ये वाला पार्ट में बिगिनिंग और एंडिंग करके या फिर यहां स्टार मार्क देके विल राइट इट अलग से. यहां पे स्टार मार्क देके विल राइट इट अलग से. हांजी बेटा. जो भी तरीके से दैट्स द वन रिटन इन द बुक.
हो गया यहाँ तक कुल। One thing we've already seen, compounding frequency बढ़ाओगे तो effective annual rate will go up and future value will go up, present value will go down, obviously. राइट एम बढ़ाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, पीवी नीचे आएगा। एफ वी गोज अप, योर इफेक्टिव रेट गोज अप, द मोर यू कंपाउंड हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीवी कम, एफ वी ज्यादा, ऑब्वियस, दिस वी ऑलरेडी डन। ठीक है, नेक्स्ट तुम लोग वहां पे वो स्टार देखे नीचे, स्टार लिख के लिखो, वो वाला में जिसमें बिगिनिंग मोड था, दैट इज इक्वल कैश फ्लोज एट इक्वल इंटरवल्स, उसमें एन्युइटी ड्यू लिखाया था, वो एन्युइटी ड्यू वाले के नीचे स्टार लिखो, स्टार मार्क करके, मतलब स्टार लिखो इन द सेंस मेक अ स्टार एंड नीचे लिखो एन्युइटी ड्यू वाला में। नॉर्मल बिगनिंग मोड डाला, बिगनिंग मोड यूज करना सिखा दू, तो बिगनिंग मोड में सेट करोगे तो पीएमटी 100 था, एन 4 था, आईवाईवाई 8% था, यू नीडेड टू कंप्यूट आइदर पीवी और एफवी, दोनों में से कोई भी एक, देन ऑल्टरनेटिव टू यूज एंडिंग मोड जो नॉर्मली अपने यूज करते, जिसको आपको कुछ सेट करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली एंडिंग मोड ही रहेगा, दैट इज अ सेकेंड ऑल्टरनेटिव। सेकेंड ऑल्टरनेटिव के लिए यूज एंडिंग मोड में पीवी कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा, कंप्यूट, सीपीटी स्टैंड फॉर कंप्यूट, सीपीटी स्टैंड फॉर कंप्यूट, कैलकुलेटर का बटन है, सीपीटी स्टैंड फॉर कंप्यूट। देखो नहीं समझ में आया तो बताओ, अपने क्या किए, 100 अलग से ले लिए और यही तीनों 100 का वैल्यू को पीएमटी 100 एन इक्वल टू 3 और आई वाई 8% डाल के एंडिंग मोड पे निकाल दिए, यही बात किए थे ना अपने अभी, कि अपने इस 100 को अलग ट्रीट डाल देंगे और जो बाकी का 300 है उसको एन इक्वल टू 3 करके नॉर्मल एंडिंग एन्युइटी के हिसाब से सम कर देंगे, तो वी ट्रीट दिस एज एन एन्युइटी एंड ये 100 को अलग से जोड़ दिया, 100 टुडे इज 100 टुडे,
100 एट टाइम 0 इज इक्वल टू 100 टुडे. बोलो क्लियर? चल हियर, परफेक्ट. उसके बाद एफ बी निकालना होगा तो कैसे करोगे? n इक्वल टू 4, देखो n सर्कल किया, यहां 3 था, n इक्वल टू 4 यूज करके fv कैलकुलेट करोगे तो टाइम 3 पर आएगा. उसको टाइम 4 पर ले जाने के लिए fv यहां आता है. आप जो भी fv कैलकुलेट करोगे वो fv यहां आएगा, pv यहां आता है, fv जो आपने कैलकुलेट किया वो इधर आया, उसको आपको इधर लेके जाना है. आपने fv जो कैलकुलेट किया n इक्वल टू 4 यूज करके एंडिंग मोड पे करोगे तो यहां आएगा ना, क्योंकि एंडिंग मोड पे यहां पे एफपी कैलकुलेट कर रहे थे. अगर ये टाइम 0, 1, 2, 3, 4 होता तो यहां पे एफपी कैलकुलेट होता. तो आपका नॉर्मली एफपी कहां कैलकुलेट हुआ है? यहां पर. आपको उसको फ्यूचर में लेके जाना होगा एक साल, इसीलिए आई मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय i बाय y. आई मल्टीप्लाई जो एफपी आपका नॉर्मली कैलकुलेट हो रहा है उसको खाली 1 बाय i बाय y, एक एक से ढकेल दिया. किए थे ना आपने, हर एक कैश फ्लो इज 1+r टाइम्स और 1+i बाय y टाइम्स, तो उसको जस्ट पुश किया उस साइड एक एक. बोलो क्लियर? समझ में आया पूरा? इसके बाद लास्ट टॉपिक. देखो यहां तक इट्स ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क मी. ये वाला चीज कंफ्यूजिंग लगेगा, नहीं भी क्लियर होगा तो चिंता मत करना. एक बार आप लोग के हाथ में नेक्स्ट वीक कैलकुलेटर आ जाएगा ना, देन वील डू इट. हम दो तीन एग्जाम्पल लेके उठा के कर लेंगे अपने. ठीक है, यू कॉपीड दिस राइट? लोन amortization शेड्यूल, दैट इज लोन amortization इज our नेक्स्ट टॉपिक. What इज लोन amortization? लेट्स try एंड अंडरस्टैंड. एक सिंपल सा ही लोन लेते हैं. सपोज आई एम borrowing, देखो मेरे को अमाउंट, आई नीड अ गुड फिगर. ₹37,908 का मैंने लोन लिया है, तो आप आज लोन ले रहे हो तो आपका प्रेजेंट वैल्यू 37,908, करेक्ट? 37,908 का आपने लोन लिया है तो आपका प्रेजेंट वैल्यू और द लोन अमाउंट इज 37,908. आपको ये लोन को 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में चुकाना है एट द एंड ऑफ द ईयर. ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में हो रहा है. मैं बोल रहा हूँ कि यार तुम लोग थोड़ा सा एनुअल कर लेना. 5 साल में एट द एंड ऑफ द ईयर यू नीड टू चुकाओ हाउ मच, यू नीड टू पे ऑफ हाउ मच, 37,908 का अमाउंट. आपका इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है दैट इज 10%. दिस इज द डेटा दैट हैज बीन गिवन. 10% मार्केट में रेट है. 5 साल के लिए तुम लोन ले रहे हो. लोन तुमने लिया है 37,908 का. हर साल तुमको इक्वल अमाउंट चुकाना है जिससे तुम्हारा ये लोन पे ऑफ हो जाए. ऑब्वियस सा बात है, 37,900 के लिए यू आर नॉट गोना बी पेइंग मी 37,900 डिवाइड बाय 5. यू हैव टू पे मी इंटरेस्ट ऑल्सो. और ऐसा भी नहीं है कि तुम हर साल मेरे को 37,900 डिवाइड बाय 5 का प्रिंसिपल पे कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुमको क्या बोला है कि तुमको इक्वल अमाउंट में पे करना है एवरी ईयर. द आइडिया इज कि तुम जो भी अमाउंट पे कर रहे होगे, 37,908 इज इक्वल टू वट एवर एक्स यू पे, उसका प्रेजेंट वैल्यू 1.10 प्लस एक्स बाय 1.10 स्क्वायर प्लस एक्स 1.10 क्यूब प्लस एक्स बाय 1.104
प्लस एक्स बाय 1.105. दिस एक्स शुड सैटिस्फाई दिस वैल्यू. पांच साल आ रहा है इसमें, यस. 10% रेट आ रहा है, यस. एंड 37,900 का लोन पे बैक हो जा रहा है. 37,908 का लोन पे बैक हो जा रहा है. ये एक्स इज योर पीएमटी. कैलकुलेटर में क्या करोगे? एन इक्वल टू 5, आई बाय 10, पीवी इज इक्वल टू 37,908, एंड यू विल कंप्यूट व्हाट? पीएमटी. तो आपको मिल जाएगा रेगुलर अमाउंट. एक चीज और समझाने का जरूरत है यहां पर. कैलकुलेटर जब यूज करते हैं ना, आपने आपने पीवी है, एन है, आई बाय वाई है, पीएमटी है, एफवी है. यहां पे एफवी का कोई रोल नहीं है, समझो. आपको 37,908 आज अगर लोन लोगे तो मिलेगा कि देना है? लोन लोगे तो पैसा मिलेगा. लोन लोगे तो पैसा मिलेगा. ईएमआई देना है कि लेना है? देना है. 37,908 इज योर कैश फ्लो आउटफ्लो और इनफ्लो. इनफ्लो, दिस वन इज एन आउटफ्लो और इनफ्लो? आउटफ्लो. दिस इज एन आउटफ्लो, दिस इज अ आउटफ्लो. सो कैलकुलेटर में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस माइनस डालना पड़ेगा. ऑनेस्टली इट डज नॉट मैटर कि तुम इनफ्लो को प्लस डालो या आउटफ्लो को प्लस डालो. खाली इतना ध्यान रखना होगा, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज का साइन ऑपोजिट होना चाहिए. क्योंकि तुम लोन ले रहे हो तो 37,900 तुम्हारा इनफ्लो हुआ और जो ईएमआई दोगे वो आउटफ्लो हुआ. वही चीज बैंक के केस में उल्टा हो जाएगा ना, बट कैलकुलेशन तो सेम ही होगा सबके लिए. खाली जो आ रहा है जा रहा है वो चीज उल्टा हो रहा है उसके लिए. बस खाली इतना ध्यान रखना कि इनफ्लोज, सारे इनफ्लोज का साइन और सारे आउटफ्लोज का साइन ऑपोजिट होना चाहिए. इनफ्लो आउटफ्लो दोनों का सेम साइन नहीं होना चाहिए, बस. बाकी तुम इनफ्लो का कुछ भी डालो, आउटफ्लो का कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वरना कैलकुलेटर में ना एरर आएगा, वरना कैलकुलेटर में एरर आएगा. इसी चीज का पीएमटी कैलकुलेट किया तो आंसर -10,000 आया. सो यू हैव टू पे 10,000 एवरी ईयर इन ऑर्डर टू पे ऑफ 37,908. टेक्निकली तुम पांच साल में कितना पे करोगे? 50,000. तुम्हारा लोन कितना था? 37,908. इसका मतलब 12,092 रुपीज इज योर इंटरेस्ट पेमेंट. 12,092, 50,000 पे करो 37,908 के लिए, मतलब जो एक्स्ट्रा 12,092 रुपीज है, दैट इज योर टोटल इंटरेस्ट पेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स. टोटल 50,000 पे किया, टोटल लोन लिया 37,908 का, तो जो डिफरेंस है वो टोटल इंटरेस्ट पे हो रहा है. लेट्स मेक अ लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सो योर पीवी इज दिस, दैट इज योर लोन अमाउंट. योर पीएमटी इज लाइक योर ईएमआई इज दिस. एक बार ये डेटा कॉपी करो, इक्वेशन कॉपी कर लो. ब्रैकेट में एक्स लिख रहा हूं यहां पर. उसके बाद मैं शेड्यूल बना के दिखाऊंगा. बिकॉज आई नीड मोर स्पेस. यहां खाली पीएमटी के आगे लिख देना कंप्यूट. कंप्यूट किया पीएमटी तो 10,000 आया. ये प्रेजेंट वैल्यू, ये एन, ये आई बाय वाई डालोगे तो पीएमटी जब कंप्यूट करोगे 10,000 आए. मैंने एक्चुअली 10,000 डाल के 37,908 निकाला था. आई वॉन्ट टू डू द सम, मेरे लिए इजी हो जाएगा ना कैलकुलेशन. यहां तक ठीक है? अभी देखना, लास्ट में कॉपी करना यहां पर. सो बेसिकली योर ओपनिंग बैलेंस, योर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट ईयर जीरो, टाइम जीरो पर कितना था? 37,908, करेक्ट. हिसाब से तुम्हारा इंटरेस्ट कितना बनता है? 3,790.8. That is your interest, correct? How much I have paid? कितना पे किया आपने? आप तो 10,000 ही दोगे एवरी ईयर. लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर वन. ईयर वन
आपको तो 10,000 ही देना है एवरी ईयर ईएमआई। अच्छा अभी प्रिंसिपल रीपेड कितना हुआ फिर? मेरे को पे करना था 37,90.8, मैंने पे किया 10,000, मतलब जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है वो मैंने अपना लोन जो था उसका अमाउंट चुका दिया होगा, दैट इज हाउ मच आपने बताया, 0.1 होगा ना, 0.2। सो बेसिकली दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 2 माइनस 1, कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड दिस इज इसका 10%। ठीक है, प्रिंसिपल अगर रीपेड इतना हो गया तो आपका आउटस्टैंडिंग राधर आई शुड करेक्ट, करेक्ट, योर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, या क्लोजिंग प्रिंसिपल बैलेंस जो भी बोलो उसको, दैट विल बी जो आपने आपका जो बैलेंस था माइनस जो आपने चुका दिया, दैट इज कॉलम 1 माइनस कॉलम 4, कितना आया बताना? आपने 37,900 में 8 में से 6,209.2 का लोन चुका दिया है। So that is your outstanding loan balance. That is what happened in the first year. First year के end में जो balance है, second year के beginning में वही balance बचा हुआ है, 31,698.80 का loan है आपके सर पे। आपने उसमें से आपको interest कितना देना चाहिए? 3,169.88 है, उसको round off कर देना, 3,170, last में 2-4 रुपये का difference आएगा rounding off के लिए। 3,170 इंटरेस्ट बनता है, मैंने अमाउंट पेमेंट कितना किया है इसको 0.99 कर देते हैं, ठीक है, अमाउंट पेड कितना किया है, वापस 10,000 पे किया है, कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया, 6,830 इज द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड, पे करना था 3,170, पे कर दिया 10,000, 6,830 एक्स्ट्रा पे किया है, 6,830 एक्स्ट्रा पे किया है तो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा, इतना लोन था 6,830 इसका चुका दिया मैंने, बचा कितना, दिस माइनस दैट, हाउ मच इज दैट क्विकली बताना, 24,869। तो थर्ड ईयर में मेरे पास लोन बैलेंस बचा है 24,869, मैं उसमें से मेरा इंटरेस्ट कितना बनता है, 2,487 राउंडिंग ऑफ थोड़ा बहुत। सो बेसिकली मैंने पे कितना किया, वापस 10,000 पे किया है, मतलब एक्स्ट्रा कितना पे किया, 10 माइनस दिस, दैट इज 7,513, इसमें से 7,500 और पे कर दिया, बचा कितना प्रिंसिपल अमाउंट, 17,356 इज द अमाउंट रिमेनिंग, चुकाना बाकी है, इतना एक्स्ट्रा पे करके 7,500 लोन का चुका दिया मैंने। अभी चौथे साल में हाउ मच विल आई पे, 17,356 इज माई आउटस्टैंडिंग बैलेंस, 10% ब्याज के हिसाब से 1,700 रुपया 36 मेरा ब्याज बनता है, लेकिन मैंने पे कितना कर दिया है, 10,000, अमाउंट एक्स्ट्रा पेड इज हाउ मच, 8,264, सो इसका 8,264 रुपया पे हो गया, कितना बचा, 9,092 इज द अमाउंट रिमेनिंग। सो फिफ्थ ईयर में इज द बैलेंस रिमेनिंग, तुम पे कितना कर रहे हो, हिसाब से ना तुम्हारा प्रिंसिपल रिपेड पूरा हो जाना चाहिए 9,092 एंड योर आंसर शुड बी 0। ये इंटरेस्ट अगर एक्चुअली कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 9,092, लेकिन अगर इसमें से करोगे तो कितना इंटरेस्ट आएगा बताना, 908। ये मैंने बैलफिक निकाल दिया, बैलेंसिंग फिगर, ये 909.2 करता है, 1 रुपया 20 पैसा का एरर आ रहा है बिकॉज ऑफ योर राउंडिंग ऑफ एरर्स। ये वही अगर एक्यूरेट होता तो ये 909.2 माइनस करने से 0 आ जाना चाहिए था, 909.2 आता ना आंसर, शुड हैव बीन 909.2।
नहीं किया मैंने, मैंने 908 ले लिया क्योंकि मेरे 1.20 रुपए का राउंडिंग ऑफ एरर आ रहा है। दिस इज अ लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल, तुमने लोन लिया इतना, तुम अपना ईएमआई चुका चुका कर वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल बैलेंस को एमोर्टाइज कर डाला। सोचो यू आर पेइंग इक्वल अमाउंट, योर लोन बैलेंस बिकम जीरो एट द एंड, यू आर पेइंग इक्वल अमाउंट, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल बैलेंस। तुम्हारा प्रिंसिपल धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, इसलिए देखो इंटरेस्ट पोर्शन इज डिक्लाइनिंग एवरी ईयर, एंड क्योंकि तुम्हारा अमाउंट पेड इज सेम द प्रिंसिपल रीपेड इज इंक्रीजिंग ओवर टाइम। बहुत सारा एनालिसिस होगा इस सब चीज पर, यू अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपका प्रिंसिपल बैलेंस गिरता जा रहा है धीरे धीरे, योर इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल रिड्यूसेस, सिंस यू आर पेइंग द सेम अमाउंट रेगुलरली द पोर्शन रीपेड ऑफ प्रिंसिपल इंक्रीजेस ओवर टाइम। शुरुआत में तुम्हारे पास ज्यादा लोन था, तुम जैसे जैसे चुका रहे हो तुम्हारा इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रहा है, लेकिन तुम पैसा तो उतना ही वापस कर रहे हो एवरी मंथ एवरी ईयर, तो तुम्हारा प्रिंसिपल पोर्शन रीपेड इज हायर। ये बेसिक चीज हो गया, ये एक लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल हो गया। यू हैव एमोटाइज योर लोन ऑफ 37,908 टू जीरो ओवर अ 5 ईयर पीरियड, ठीक है, इक्वल अमाउंट पे करके। ये लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल हुआ। क्वेश्चन क्या आएगा, अच्छा इसका जो टोटल होगा ना, इसका टोटल कितना है 50,000, तुमने पे कितना किया 50,000, तुमने प्रिंसिपल जो रीपे किया है दैट हैज टू बी इक्वल टू 37,908 प्रिंसिपल रीपेड, दिस टोटल इंटरेस्ट हैज टू बी इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस 12,092। द टोटल इंटरेस्ट, तुम टोटल 50,000 पे किया, तुम्हारा प्रिंसिपल रीपेड इज 37,900, जो एक्स्ट्रा पे किया वही इंटरेस्ट के कारण पे किया है ना, ऑब्वियस लॉजिकल क्लियर। 1.20 रुपए का खाली एरर है, वो तुम्हारा राउंडिंग ऑफ के कारण है, दो चार जगह का लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। नाउ माय क्वेश्चंस कुड बी, यहां पे तो 5 साल का लोन दिया है, मैं तुमको 10 साल का मंथली लोन देता हूं तो उसमें एन कितना होगा 120, 10 ईयर्स मंथली लोन 120 मंथ्स। आई विल आस्क यू क्वेश्चन लाइक 50th मंथ में व्हाट इज द इंटरेस्ट पोर्शन, तुम क्या 120 बार ऐसा लाइन बना के करोगे एमोर्टाइजेशन शेड्यूल, मतलब विल यू मेक 120 लाइंस का शेड्यूल। आई विल आस्क यू क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द प्रिंसिपल बैलेंस आउटस्टैंडिंग आफ्टर द 45th पेमेंट इज मेड, व्हाट इज द प्रिंसिपल बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन द 7th ईयर, व्हाट इज द प्रिंसिपल पोर्शन रीपेड इन द 5th ईयर, इन द 20th ईयर, इन द 17th ईयर, मंथली है मान के चलो 17th ईयर पूछ रहा हूं, मतलब 17वां साल में जो 12 पेमेंट होगा उसका प्रिंसिपल का टोटल, 17वां साल में पूरा इंटरेस्ट पोर्शन कितना रीपे हुआ वो बताओ। 140th पेमेंट 120 था ना, चलो ऐसे 70th पेमेंट का इंटरेस्ट पोर्शन क्या है, 70th ईएमआई हुआ, ईएमआई तो सेम है तुम्हारा, 70th ईएमआई का प्रिंसिपल अलग बताओ, इंटरेस्ट अलग करके बताओ, 70th पेमेंट के बाद आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बताओ। फिफ्थ ईयर मतलब पेमेंट क्या हुआ 448, सो 49 से लेकर 60 के बीच का, 49 टू 60 पेमेंट इज इन द फिफ्थ ईयर, उसका पूरा टोटल इंटरेस्ट पेड, टोटल प्रिंसिपल रीपेड, ये सब बताओ कैसे करोगे। होगा एकदम सिंपल होगा, एक लाइन में होगा आंसर, ये सब ऑब्वियसली इतना नहीं करेंगे, बट अगेन इसको थोड़ा सा घूरो, जस्ट अंडरस्टैंड दिस शेड्यूल फर्स्ट, बहुत सिंपल है वो सब निकालना, लॉजिक बताऊंगा अभी, होमवर्क दूंगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर सबके पास है तो फिर ट्राई तो, मतलब एन्युटी का समय ऐसे थोड़ा लंबा तरीके से ट्राई तो कर ही सकते हो, ठीक है, विल सी कल एक बार साइंटिफिक तो लेके आना एटलीस्ट। यहां तक क्लियर है, वो सब भी बता रहा हूं, लॉजिक बताऊंगा तब सोचोगे यार इतना इजी लॉजिक था। सोचो एक बार, सपोज आई आस्क यू, मैं दे रहा हूं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लेट्स से विल थिंक ऑन दिस, ये वाला कॉपी करो, देन आई गिव यू अ क्वेश्चन, एटलीस्ट विल थिंक अबाउट इट कि कैसे आंसर आएगा, ये कॉपी करो शेड्यूल पहले।
डन टिल हियर। अरे ठीक है, जहां तक वो एक बार छोड़ दो, बाद में कॉपी कर लेना कोई से। एक बार देखो इधर, सपोज थर्ड ईयर का बात करते हैं। अच्छा एक और चीज, इन द टाइम लाइन, आई डोंट हैव स्पेस, इन द टाइम लाइन, ठीक है, दिस इज टुडे, दिस इज एट द एंड ऑफ वन ईयर, दिस इज द फर्स्ट ईयर, दिस इज एंड ऑफ टू ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईयर थ्री, दिस इज सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर, दिस इज एंड ऑफ ईयर टू, दिस इज बिगिनिंग ऑफ ईयर थ्री, सेम पॉइंट। ये क्लियर है? राइट, ठीक है, परफेक्ट। यहां पर जो लोन है, सपोज ये तीसरा वाला का बात कर रहा हूं, तो बिगिनिंग बैलेंस में 24,000 का बैलेंस यहां पे है, बिगिनिंग ऑफ ईयर थ्री, राइट। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल रीपेड क्या है? 7513, करेक्ट। मैं तुमको उठा के क्वेश्चन पूछ लिया कि थर्ड ईयर का प्रिंसिपल रीपेड क्या है, कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया है? बोलो। सेकेंड ईयर में प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे और थर्ड ईयर में निकाल लेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो द आइडिया इज, जस्ट अंडरस्टैंड वन स्मॉल लिटिल थिंग। पहला एक लॉजिक समझो कि ये जो है अमाउंट, दिस इज व्हाट, आज तुम्हारा लोन कितना बाकी है 24,869 का एट दिस टाइम, तुम्हारा अभी 10,000 का तीन इंस्टॉलमेंट देना बाकी है, ये 10,000 का तीनों का पीवी निकालोगे ये आएगा, ये लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, दिस इज द पीवी ऑफ द रिमेनिंग पेमेंट। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इज द पीवी ऑफ रिमेनिंग पेमेंट्स। तुम्हारा ये लोन क्या था? तुम्हारा पेमेंट्स का पीवी, ईएमआई का पीवी। कोई भी टाइम पर आउटस्टैंडिंग लोन क्या है? तुम्हारा ये लोन है तो तुम्हारा इसके बदले में तुमको क्या मिल रहा है? 10,000 तीन बार मिल रहा है, उन तीनों का पीवी इज दिस, इन दोनों का पीवी इज दिस, इसका पीवी इज दिस। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग कैश फ्लोज। कैश फ्लोज तो कॉन्स्टेंट है, ईएमआई वो तो डिसाइड हुआ है तुम्हारा, राइट। सो अब देखो, सो यू अंडरस्टूड दिस बिट फ्रॉम हियर। सो नाउ फॉर एनी कैलकुलेशन दैट सिंपल लॉजिक इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अभी सपोज 20 इयर्स मंथली लोन $1,00,000 10% रेट, यू विल नॉट नीड टू डू द कैलकुलेशन, आई विल डू इट फॉर यू। तो 20 साल तुम लोग को डेटा मेरे को देना पड़ेगा, 20 साल मतलब n इज इक्वल टू क्या है? 1,00,000 PV. So I'll just enter this value. 1,00,000 PV, 1% मेरा रेट है, 240 N है, कंप्यूट PV. क्या होगा इसको 9081, सॉरी पीवी तो डाला था 1,00,000 पीवी, कंप्यूट पीएमटी 1101, 1101, दैट इज द ईएमआई। तो अगर तुमने 1,00,000 रुपए का लोन लिया है, तुमको 20 साल तक हर महीने 1100 रुपया चुकाना पड़ेगा। देखते हैं 1101 इंटू 240, मेरे को टोटल अमाउंट पे करना है 2,64,240। 1,00,000 का लोन पे 1,64,000 का इंटरेस्ट बन रहा है आपका, यू आर पेइंग 240 टाइम्स, इफ यू पे 1101, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड? 240 इनटू 1101, दैट इज 2,64,240। 1,00,000 का लोन पे टोटल इंटरेस्ट पेड इज 1,64,000, ठीक है, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ो। अभी सपोज मेरे को फाइंड आउट करना है, लेट्स से प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर 14, at the end of year 14 is over here or over here? Over here. That is end of year 15, beginning of year 15. End of year 14 is this, beginning of year 14 is 13 पे खत्म हुआ,
ठीक है, तो एंड ऑफ ईयर 14 पे मेरे को प्रिंसिपल निकालने का है। एंड ऑफ ईयर 14 मतलब 14 साल का ईएमआई पेड, 14 इंटू 12 ईएमआई पेड, यू पेड 168 ईएमआई आउट ऑफ 240 14 साल का लोन है तुम्हारा 20 साल का, मतलब 6 साल बचा हुआ है, 6 साल बचा हुआ है मतलब 6 × 12 72 ईएमआई बचा हुआ है। तो 72 व्हेन यू पुट एन इक्वल टू 72 एंड देन यू विल कंप्यूट पीवी, यू विल गेट दी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी सेम है देखो, आई बाय वाई एक ही परसेंट रहेगा, पीवी 1,00,000 रहे, पीवी तो कंप्यूट करने का है, पीएमटी वाई 1,101 रहेगा, ये डालोगे ये कंप्यूट नहीं करोगे, पीवी कंप्यूट करेंगे 1,101 डाल के, 1,101 निकला हुआ है मेरा ईएमआई, मेरे को पता है अभी 6 साल बचा हुआ है, तो एन इक्वल टू 72 डालोगे, 72 ईएमआई रिमेनिंग है ना 6 साल में, 12 ईएमआई पर एनम, तो 72 ईएमआई का पीवी इज द प्रेजेंट वैल्यू इज द आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस ऑन ईयर 14, बोलो करेक्ट, ठीक है। अच्छा तो 14 मतलब बेसिकली 72 है, अच्छा प्रिंसिपल रीपेड इन 15th ईयर निकालना है, तुम यहां पे आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हो, एन इक्वल टू 72, यहां पे एन इक्वल टू 60 करके 5 साल बचा है, इतना तुम्हारा आउटस्टैंडिंग लोन इधर था, इतना तुम्हारा आउटस्टैंडिंग लोन इधर था, दोनों का डिफरेंस इज द प्रिंसिपल रीपेड, सिंपल, पूरा साल में तुमको अलग अलग ब्रेकअप का जरूरत नहीं है कि हर एक इन ईएमआई में कितना प्रिंसिपल निकाला उसका टोटल करो, प्रिंसिपल बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एट द एंड ऑफ ईयर 14 एंड एट द एंड ऑफ ईयर 15 विल गिव यू 15th ईयर में कितना प्रिंसिपल रीपेड हुआ उसका डिफरेंस, यहां पे 1,00,000 रुपया बाकी था, यहां पे 60,000 बाकी था, यहां पे 50,000 बाकी है, मतलब 10,000 पे हो गया होगा, सिंपल 10,000 वुड हैव बीन द रीपेड अमाउंट, लेकिन तुम ईएमआई कितना पे कर रहे हो 1,100 अप्रोक्सीमेटली 1,100 इंटू 12 13,200 बेसिकली तुमने पेमेंट कितना किया है 13,200, सपोज यहां पे तुम्हारा 40,000 था बैलेंस 50,000 और यहां पे 40,000 होगा, ऑब्वियसली प्रिंसिपल विल डिक्रीज, एन इज इक्वल टू 72 कैश फ्लो का पीवी और 60 कैश फ्लो का पीवी, ऑब्वियसली 60 कैश फ्लो का पीवी कम है, अगर यहां प्रिंसिपल बैलेंस 50 बाकी था और यहां 40 देना बाकी है सपोज, तो तुमने प्रिंसिपल रीपे कितना किया पूरे साल में 10,000, लेकिन तुमने ईएमआई तो 1,100 रुपया करके दिया है 12 महीने, तुमने पेमेंट कितना किया है 13,200, बट तुम्हारा प्रिंसिपल रीपे कितना हुआ है 10,000, मतलब इंटरेस्ट पोर्शन कितना दिया होगा पूरे साल में 3,200, तुरंत आ गया, यू डिड नॉट हैव टू ब्रेक इट अप, प्रिंसिपल रीपेड इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बिटवीन टू पीरियड्स एंड टोटल ईएमआई पेड इज व्हाट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इन टू ईएमआई, क्योंकि ईएमआई तो कांस्टेंट अमाउंट है, तुम तो 1,100 ही दोगे हर महीने, 12 महीने में कितना दिया 1,100 × 12 13,200, और अगर 10,000 रुपया का प्रिंसिपल रीपेड हुआ है तो 3,200 मस्ट हैव बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट पेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर इतना बड़ा लोन 240 ईएमआई का, उसमें हम बीच का एक 12 ईएमआई का पूछ रहा है कि उसका प्रिंसिपल पेड इंटरेस्ट पेड क्या है, वो तो इजीली निकल रहा है, तुमको करना कुछ नहीं है, यू डोंट इवन हैव टू टाइप पूरा, पता है एन को 72 कंप्यूट पीवी आंसर लिखा, एन इक्वल टू 60 ओवरराइट कर दिया, बाकी सेम रहेगा, कंप्यूट पीवी आंसर निकल गया, तुमको ये भी दो बार नहीं डालना पड़ेगा कैलसी में, समझा, यहां पे प्रिंसिपल रीपेड इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द टू आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंसेस, इंटरेस्ट रीपेड के लिए क्या टोटल अमाउंट पेड दैट इज ईएमआई इनटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल रीपेड पता है उसका जो डिफरेंस है दैट इज इंटरेस्ट पोर्शन रीपेड, सिंपल, ओके, टोटल अमाउंट पेड दैट इज ईएमआई इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सो इंटरेस्ट पेड प्रिंसिपल पेड टोटल अमाउंट पेड, सपोज मैं तुमको पूछता हूं 84th इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट बताओ या प्रिंसिपल रीपेड बताओ, कैसे करोगे, नहीं हाँ 84th इंस्टॉलमेंट है ना, ठीक है, सो 83 84, इसका इंटरेस्ट पेड या प्रिंसिपल रीपेड में ब्रेक करने बोलूंगा तो क्या करोगे, बहुत सिंपल है, ज्यादा सिंपल है, 83 पे पीवी निकाला, लोन आउटस्टैंडिंग मिल गया, तुमको रेट नहीं पता 1%, वो जो लोन आउटस्टैंडिंग है उसका 1% इज द इंटरेस्ट पोर्शन रीपेड फॉर दिस पीरियड एंड 1,100 माइनस दैट इज द प्रिंसिपल पोर्शन रीपेड फॉर दिस पीरियड, तुमको तो दो दो प्रिंसिपल भी नहीं निकालना पड़ा, यहां पे जो प्रिंसिपल बैलेंस है उसका 1% इज द इंटरेस्ट फॉर दिस पीरियड एंड 1,100 माइनस दैट इंटरेस्ट पोर्शन इज द प्रिंसिपल रीपेड फॉर दैट पीरियड, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट 84th का पीवी 83 का पीवी एंड सबट्रैक्ट, बिल्कुल भी नहीं, 83 पे जो पीवी आएगा प्रिंसिपल उसी का तो 1% यहां पे करना चाहिए इंटरेस्ट, लेकिन पे कितना करते हो 1,100 फॉर एवरी वन मंथ,
पे 1100 किया है, करना चाहिए था यहां का जो प्रिंसिपल बैलेंस है उसका 1%, तो जो डिफरेंस एक्स्ट्रा पे किया दैट इज द प्रिंसिपल बैलेंस रीपेड। बोलो क्लियर, इंटरेस्टिंग? ठीक है, यही वाला डेटा कॉपी करो इसका अपना साइंटिफिक से अगर ट्राई हो सके तो कर लेना, नहीं हो सके तो साइन टिल अंटिल यू गेट योर कैलकुलेटर्स, राइट अ कपल ऑफ थिंग्स, जस्ट गेट दोज आंसर्स टुमारो इफ पॉसिबल, जस्ट राइट डाउन दिस डेटा, और बाकी मैं कल दिखाऊंगा कि प्रिंसिपल रीपेड कैसे निकला। आई वॉन्ट यू गाइज टू यूज योर एंड डू इट योर सेल्फ, ये सब कराऊंगा कल, यहां से चालू करेंगे अपने। जस्ट कॉपी दिस मच, 12% रेट पर एनम कंपाउंडेड मंथली, पर एनम कंपाउंडेड मंथली, दैट इज द रेट, दिस इज द लोन अमाउंट, दिस 20 इयर्स, ठीक है। कैलकुलेट, आंसर नहीं भी दोगे ना तो खाली इतना बनाना, पीवी एट दिस पीरियड माइनस वो, या एन आई बाय क्या लोगे उससे कंप्यूट पीवी, जस्ट गेट मी दो स्टेप्स, इट्स फाइन। कैलकुलेट आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 7, देन प्रिंसिपल and interest paid in the 17th year. Principal and interest paid in the 170th installment. Just this. हो जाएगा? Answers नहीं चाहिए, जैसे इसके लिए है तो बताना एन ये लो ये लो ये लो, फिर कंप्यूट पीवी करो तो आंसर आएगा, एन क्या लेना है, आई बाय वाई क्या लेना है, वो सब बताना। सो इवन इफ यू डोंट गेट द आंसर इट्स फाइन, एटलीस्ट वो स्टेप्स करने का ट्राई करना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड आज का क्लास ट्राई करना रिवाइज करने का, ठीक है, घर जाकर थोड़ा देखना समझना वैल्यूज, ठीक है। वी विल कीप इट टिल हियर, जस्ट स्टे फॉर अ मिनट।